श्री श्री चैतन्य शिक्षा अमृत श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा विरचित पंचम वृष्टि भाव भक्ति का विचार। प्रथम धारा भाव भक्ति। प्रेम भक्ति ही साधन भक्ति का फल है। प्रेम भक्ति की दो अवस्थाएं हैं, भाव अवस्था और प्रेम अवस्था। प्रेम की सूर्य के साथ तुलना करने पर भाव को उस प्रेम सूर्य की किरण कहा जा सकता है। विशुद्ध सत्व स्वरूप भाव रुचि द्वारा चित्त को आद्र करता है। पहले भक्ति का साधारण लक्षण बतलाते हुए जिस कृष्ण अनुशीलन का उल्लेख किया गया है, वही कृष्ण अनुशीलन जिस अवस्था में विशुद्ध सत्व स्वरूप हो पड़ता है और रुचि के द्वारा चित्त को मत्सृण अर्थात आर्द्र करता है, उसी अवस्था को भाव कहते हैं। रति और प्रेम। भाव मनोवृत्ति पर आविर्भूत होकर मनोवृत्ति की स्वरूपता को प्राप्त कर लेता है। तत्वतः भाव स्वयं प्रकाश रूप है, परंतु मनोवृत्तिगत होकर प्रकाश्य अर्थात जिसे प्रकाशित किया जाए उसके रूप में प्रतीत होता है। यहां जिसको भाव कहा गया है उसी का दूसरा नाम रति है। रति स्वयं आस्वाद स्वरूप होने पर भी कृष्ण आदि विषय को आस्वादन करने में हेतु के रूप में ग्रहण की गई है। यहाँ यह जान लेना चाहिए कि रति चित्त तत्व का भाव है, वह जड़ अंतर्गत तत्व नहीं है। बद्ध जीवों की जो जड़ विषयों में रति होती है वह उस जीव के चित्त विभागगत भाव की जड़ संबंध से उत्पन्न विकृति मात्र है। जिस समय जड़ में भगवत अनुशीलन होता है उस समय वह रति संविदंश से भगवत संबंधी आलोच्य विषयों के आस्वादन का हेतु होती है। उसी समय आह्लादनी के अंश से स्वयं आह्लाद प्रदान करती है। प्रेम कल्प तरु का बीज। रति ही प्रेम कल्प तरु का बीज स्वरूप है। जिस समय अन्य अन्य भाव समूह उपस्थित होकर रति की सहायता करते हैं उस समय रति सबकी सहायता से प्रेम वृक्ष को प्रकट करती है। रस तत्व के प्रसंग में इस विषय को उदाहरणों के द्वारा समझाया जाएगा। रति प्रेम का सूक्ष्म अंश है। रति प्रेम का सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म वह अंश है जिससे आगे प्रेम का कोई और सूक्ष्म अंश हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार एक सौंफ के अंग में सबसे छोटा अखंडित विभाग है एक, अंग्रेजी में जिसे यूनिट कहते हैं, प्रेम तत्व में उसी प्रकार रति भी एक अखंडित सबसे छोटा या सूक्ष्म विभाग है। साधन भक्ति में रुचि श्रद्धा आसक्ति आदि जिन भावों को देखा गया था वे एक अंक स्थलीय रति के भग्नांक मात्र है। साधन के अंगों में श्रद्धा या रुचि न रहने से साधन संपूर्ण रूप से विफल है। वर्णाश्रम धर्म में जिस श्रद्धा और रुचि का उल्लेख है ये रति के ही भग्नांक तो हैं, फिर भी ये भग्नांक के प्रतिबिंबित भाव हैं। उससे भी नीचे नीति विरुद्ध जीवन में रति के भग्नांक समूह अत्यंत विकृत होते हैं। नैतिक जीवन में वे कुछ कुछ विधिबद्ध होते हैं। सेश्वर नैतिक जीवन में वे अधिकतर विधिबद्ध होते हैं, फिर भी विकृत प्राय होते हैं। साधन भक्त जीवन में वे विकृत तो नहीं होते परंतु अंश होने के कारण पूर्णांक नहीं होते। उत्तम भक्त अर्थात भागवत जीवन उदित होते ही एकांक स्थलीय रति लक्षित होती है। पूर्णांक स्थलीय रति उदित होते ही जीव कृतार्थ हो जाता है। रति को प्राप्त करने वाले पुरुषों का देह त्याग एक प्रपंच संबंध रहता है। प्रपंच के प्रति उन्मुक्ता रति की विकृति है। ईश्वर के प्रति उन्मुक्ता ही उसकी विकृति से मुक्ति या अपनी यथार्थ प्रकृति है। रति या भाव दो प्रकार के होते हैं, पहला साधन अभिनिवेशज भाव और दूसरा प्रसादज भाव।
साधन अभिनिवेशज भाव भी दो प्रकार के होते हैं। पहला वैध साधन अभिनिवेशज भाव और दूसरा रागानुक साधन अभिनिवेशज भाव। श्रद्धायुक्त साधक का साधन अभिनिवेश ही क्रमशः परमेश्वर के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। वही रुचि क्रमशः साधन अभिनिवेश के पश्चात आसक्ति बनकर अंत में रति का रूप धारण करती है। साधन का यही क्रम विकास है। देवऋषि नारद जी का जीवन चरित्र ही वैद साधन अभिनिवेशज भाव का उदाहरण है। पद्म पुराणोक्त एक रागानुक भक्त स्त्री की भाव प्राप्ति ही रागानुक साधन अभिनिवेशज भाव का उदाहरण है। प्रसादज भाव दो प्रकार के होते हैं। पहला कृष्ण प्रसादज भाव और दूसरा भक्त प्रसादज भाव। तीन प्रकार के कृष्ण प्रसाद। कृष्ण प्रसादज भाव भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला वाचिक, दूसरा आलोकदान और तीसरा हार्द। जब भगवान किसी के प्रति प्रसन्न होकर वाणी द्वारा उसके ऊपर कृपा करते हैं तब उसे वाचिक प्रसाद कहते हैं। जब भगवान साक्षात रूप से दर्शन देकर किसी पर कृपा करते हैं तब उसे आलोकदान कहते हैं। जब भगवान किसी के प्रति प्रसन्न होकर उसके हृदय में उत्कृष्ट भावों का उदय कराते हैं तब उसे हार्द प्रसाद कहते हैं। भक्त प्रसादज भाव। नारद आदि भगवत भक्तों की कृपा से अनेकों जीवों के हृदय में भाव उदित हुए हैं। ऐसे भक्तों की कृपा से उदित होने वाले भावों को भक्त प्रसादज भाव कहते हैं। भगवत भक्तों के अंदर एक महान शक्ति रहती है। वे उस शक्ति द्वारा कृपा पूर्वक दूसरे जीवों के हृदय में शक्ति का संचार कर सकते हैं। परम भक्त नारद जी की कृपा से प्रहलाद और बहेलिया की भगवान के प्रति स्वभाव की रति उदित हुई थी। शक्ति संचार। शक्ति संचार के संबंध में एक विशेष बात जान लेना आवश्यक है। प्रेमी भक्तों की शक्ति असीम होती है। वे लोग अतिशय पापी आदि जिस किसी भी पात्र के प्रति कृपा करके उसमें अपनी शक्ति का संचार कर सकते हैं। भाव भक्तगण साधन भक्तों के प्रति कृपा करके अपनी अपनी योग्यता के अनुरूप शक्ति का संचार कर सकते हैं। अर्थात ये लोग अपनी शक्ति द्वारा बहिर्मुख व्यक्तियों की प्राक्तन अर्थात पूर्व संस्कारगत योग्यता के अनुसार उनकी भगवान में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। वैद और रागानुग भक्ति के साधक भक्तजन शिक्षा और उदाहरण के द्वारा बहिर्मुख लोगों की उनके प्राक्तन संस्कार के अनुरूप परमेश्वर में श्रद्धा उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ एक बात और भी उल्लेखनीय है कि साधारण रूप में जीव साधन द्वारा ही भाव भक्ति प्राप्त करते हैं। प्रसादज भाव कहीं विरला ही देखा जाता है। अत्यंत निम्न अधिकारी भी प्रसाद अर्थात कृपा प्राप्त कर भाव का अधिकारी बन जाता है। भगवान की अचिंत शक्ति और विधियों का प्रभाव ही ऐसा होने का एकमात्र हेतु है। ऐसे प्रसाद को कोई भी भगवान का अन्याय या अविचार नहीं कह सकता, क्योंकि भगवान श्री कृष्णचंद्र सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। उनके लिए ऐसा अधिकार अन्याय नहीं है। न्याय किसे कहते हैं? परमेश्वर की इच्छा ही न्याय है। उनकी इच्छा से जो विधियां बनी हैं, उनका पालन करना ही जन साधारण में न्याय पक्ष है। जो भगवान अर्थात व्यक्ति विशेष स्वतंत्र इच्छामय हैं, उनके समीप विधि अतिशय क्षुद्र है। विधि उनके अधीन होती है। मनुष्य के लिए जो आदर्श एवं न्याय और अन्याय का विचार है, भगवान श्री कृष्णचंद्र उससे सर्वतोभावेन परे हैं। भक्त भेद से पांच प्रकार की रतियां। भक्तों के भेद से रति भी पांच प्रकार की होती हैं। रस विचार के प्रसंग में उनका पृथक रूप से विचार किया जाएगा। जिस व्यक्ति के हृदय में भाव का अंकुर पैदा हो जाता है, उनका जीवन अतिशय पवित्र हो जाता है। वैद भक्तों के जीवन में रति उत्पन्न होने पर जो परिवर्तन स्वाभाविक है, वे सब उसमें अवश्य ही होते हैं। विधि का बंधन बहुत अंशों में शिथिल हो पड़ता है। आचार भी कुछ सीमा तक स्वतंत्र हो जाता है। भाव जीवन वैद जीवन में एकाएक परिवर्तन नहीं ला देता, बल्कि भावों के कार्य समूह
विधि से स्वतंत्र प्रतीत होने लगते हैं। रति ही उनके समस्त कार्यों की नियामिका है। भावुक व्यक्ति स्वैर अर्थात स्वतंत्र भाव अपन्न होने पर भी उसके द्वारा कभी भी कोई उपद्रव या अन्याय होने की संभावना नहीं होती। सबसे मुख्य बात यह है कि भावुक व्यक्ति के हृदय में पाप और पुण्य में रुचि नहीं होती। भावुक मेरा यह कर्तव्य कर्म है ऐसा सोचकर कोई कर्म नहीं करता, वह किसी का अनुकरण भी नहीं करता। शरीर मन आत्मा समाज आदि की संरक्षण क्रियाएं पूर्व पूर्व अभ्यास के कारण अनायास ही हुआ करती हैं, जबकि पुण्य कार्यों के प्रति ही उनकी कोई रुचि नहीं होती, तब पाप कार्यों के प्रति उनकी रुचि कैसे हो सकती है? यह असंभव है। कभी कभी रति के कारण उनके कुछ कार्य वैद आचारों के विपरीत जान पड़ते हैं, परंतु वैद भक्तों के उन कार्यों को देखकर उनके प्रति दोष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। जिनके हृदय में भाव उदित हो पड़ता है उनका जीवन धन्य है। उनकी निंदा करने से अथवा उनके प्रति दोष बुद्धि रखने से वैद भक्तों का भक्ति धन क्रमशः क्षीण हो जाता है। भाव भक्त का जीवन साधन भक्तों के सदृश नहीं होता, तथापि भाव जीवन में कुछ नवीन लक्षण सदैव आलोचनीय हैं। द्वितीय धारा, भावुक लक्षण। जिस व्यक्ति के हृदय में भाव प्रकाशित हो जाता है उस भावुक में जो भी लक्षण प्रकटित होते हैं उनमें से निम्नलिखित 9 लक्षण प्रधान हैं। पहला शांति अर्थात सहनशीलता, दूसरा समय को व्यर्थ ना खोना, तीसरा विरक्ति अर्थात विषयों के प्रति अरुचि, चौथा मान्य शून्यता, पांचवा आशाबंध, छठा समुत्कंठा, सातवां नाम कीर्तन में सदा रुचि, आठवां कृष्ण के गुणगान में आसक्ति और नवा श्री कृष्ण के वासस्थल में प्रीति। पहला शांति। शोक का कारण उपस्थित होने पर भी शुद्ध ना होने को शांति कहते हैं। भावुक का चित्त कभी भी शुद्ध नहीं होता। कोई शत्रुता करे, किसी आत्मीय स्वजन को कोई क्लेश हो अथवा उनकी मृत्यु हो जाए, धन संपत्ति नष्ट हो जाए या किसी प्रकार का कोई सांसारिक कलह या पीड़ा उपस्थित हो जाए, तो भी भाव भक्त का चित्त भगवान के श्री चरण कमलों में लगा रहने के कारण शुद्ध नहीं होता। काम क्रोध लोभ मोह भय आशा और शोक आदि ही चित्त को प्रधान रूप से शुद्ध करने वाले हैं। दूसरा समय को व्यर्थ में नष्ट ना करना। भावुक भक्त सब समय व्याकुलता के साथ सभी कार्यों में भाव द्वारा भगवत अनुशीलन किया करते हैं। उनका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं होता, वे सर्वदा कृष्ण अनुशीलन ही करते रहते हैं। जब जो कार्य उपस्थित होता है तब उस कार्य के उपयोगी भगवान की लीला का स्मरण करते हुए उस कार्य को करते समय श्री कृष्ण के भावों का उद्दीपन करते हैं। वे सभी कर्मों को भगवत सेवा के रूप में किया करते हैं। तीसरा विरक्ति। इंद्रियों के विषयों के प्रति स्वाभाविक अरुचि को विरक्ति कहते हैं। भाव उदित होने पर विरक्ति प्रबल हो उठती है। जिनके हृदय में भाव उदित हो जाता है उनकी विषयों से अरुचि हो जाती है, परंतु वे इंद्रियों के विषय समूह यदि भगवत संबंधी हो तो उनके प्रति उनकी प्रचुर मात्रा में प्रीति लक्षित होती है। विरक्त या वैरागी बाबाजी नामक एक श्रेणी के लोग दिखलाई पड़ते हैं। वे लोग भेष धारण कर अपने को विरक्त समझते हैं, परंतु अपने को विरक्त मान लेने से ही वे यथार्थ ही विरक्त हैं ऐसी बात नहीं। भाव के उदित होने पर स्वाभाविक रूप में इंद्रियों के विषयों के प्रति विरक्ति पैदा हो जाती है, परंतु भाव के उदित न होने से यदि स्वाभाविक रूप में विषयों के प्रति विरक्ति न हो तो भेक अर्थात विरक्त वेश ग्रहण करना अवैध है। भेक का अर्थ यह है कि जब भाव के द्वारा विरक्ति उदित होती है तब सबके लिए संसार सुविधाजनक नहीं होता। जिन लोगों के लिए जीवन उपयोगी वस्तुओं का पूर्वत संग्रह करना भजन के अनुकूल नहीं होता, वे अपने अभाव को कम करके छोटा वस्त्र गुदड़ी करंग आदि व्यवहार करते हुए भिक्षा द्वारा महाप्रसाद सेवन करते हैं। धीरे धीरे ऐसा व्यवहार ही उनके लिए स्वाभाविक हो पड़ता है, उनको तनिक भी कष्टकर प्रतीत नहीं होता।
यह परिवर्तन जिस समय श्री गुरुदेव के निकट अधिकार विचार पूर्वक सर्वशास्त्र सम्मत रूप से निर्दिष्ट होता है, उसी समय भेद यथार्थ हुआ करता है। परंतु आधुनिक भेद प्रथा ने अत्यंत अमंगलजनक रूप ग्रहण कर लिया है। अधिकांश लोग भावोदय होने की तो बात ही क्या, साधारण रूप में वैदिक भक्ति के प्रति निष्ठा तक भी प्राप्त करने के पहले ही क्षणिक वैराग्य के आवेश में अथवा यथेच्छाचार पूर्वक जीविका को उपार्जन की सुविधा के लिए भेक ग्रहण कर लेते हैं। स्त्री पुरुष के कलह के कारण नानाविध सांसारिक क्लेशों से तंग आकर विवाह न होने से वैश्य आदि का व्यवसाय नष्ट होने पर किसी मादक द्रव्य के सेवन से या किसी दूसरे प्रकार से बुद्धि में विकार पैदा होने पर तात्कालिक या क्षणिक वैराग्य उदित हो जाता है। ऐसे वैराग्य को क्षणिक वैराग्य कहते हैं। इस क्षणिक वैराग्यवश कोई व्यक्ति किसी गोस्वामी या बाबा जी के पास पहुंचकर उन्हें कुछ धन देकर कौपीन और बहिर्वास ग्रहण कर लेते हैं। इसका फल यह होता है कि थोड़े ही दिनों में उनके वैराग्य का ज्वार उतर जाता है और वे स्त्री या पुरुष इंद्रियों के वशीभूत होकर किसी प्रकार अवैध स्त्री पुरुष का संसार कर लेते हैं अथवा छिप छिप कर व्यभिचार में लिप्त हो पड़ते हैं। उनका परमार्थ से लेश मात्र भी संबंध नहीं रहता। ऐसी अवैध भेद प्रथा को संपूर्ण रूप से उच्छेद नहीं करने पर वैष्णव जगत का किसी प्रकार से भी कल्याण होना असंभव है। पहले वर्णाश्रम धर्म के विचार प्रसंग में अवैध वैराग्य को जगन नाश का कार्य पाप बतलाया गया है। यह अवैध वैराग्य वर्णाश्रम धर्मगत संन्यास आश्रम आश्रित पाप कार्य है। यहाँ पर जिस वैराग्य का विचार किया गया है यह भक्त जीवनगत महद अपराध विशेष है। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी कृत सत्क्रिया सार दीपिका नामक ग्रंथ के परिशिष्ट भाग में इस विषय का सुंदर विचार पाया जाता है। जो लोग अपने को वैरागी या वैष्णव बतलाकर अपना परिचय देते हैं उनमें से बहुत कम लोगों में भक्ति द्वारा उदित स्वाभाविक वैराग्य होता है। हम ऐसे निर्मल विरक्त पुरुषों के चरणों में सदैव दंडवत प्रणाम करते हैं। चार प्रकार के अवैध वैरागी। अवैध वैरागियों को साधारणता चार श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला मर्कट वैरागी, दूसरा कपट वैरागी, तीसरा अस्थिर वैरागी और चौथा औपाधिक वैरागी। पहला मर्कट वैरागी। वैराग्य न होने पर भी वैरागियों की भांति वेश धारण कर भ्रमण करने की अभिलाषा करते हैं किंतु अवशीभूत इंद्रियों द्वारा सदैव अनर्थ उपस्थित होते रहते हैं। इस प्रकार जो लोग केवल वैराग्य चिन्ह मात्र धारण करते हैं उनको श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने मर्कट वैरागी कहा है। दूसरा कपट वैरागी। महोत्सव आदि में वैष्णवों के साथ अच्छे अच्छे सुस्वादु पदार्थ भोजन के लिए सहज ही सुलभ होंगे। अभी जितने भी बुरे कर्म क्यों ना करूं, मरने पर वैष्णव लोग मेरा सत्कार करेंगे जिससे मेरी सदगति हो जाएगी। ग्रही लोग आदर पूर्वक भोजन देंगे। गांजा भांग अफीम आदि वस्तुएं भी सहज ही सुलभ होंगी। ऐसा सोचकर जो धूर्त लोग भेक अर्थात वैराग्य वेश ग्रहण करते हैं उनको कपट वैरागी कहते हैं। तीसरा अस्थिर वैरागी। कलह क्लेश अर्थ का अभाव पीड़ा विवाह न होना और स्त्री वियोग आदि कारणों से क्षणिक वैराग्य उदित होता है। ऐसे क्षणिक वैराग्य के आवेश में जो लोग भेक ग्रहण कर लेते हैं वे अस्थिर वैरागी कहलाते हैं। उनमें यथार्थ वैराग्य का अभाव होता है अतएव वे शीघ्र ही कपट वैरागी हो जाते हैं। चौथा औपाधिक वैरागी। जो लोग मादक द्रव्यों के वशीभूत होकर संसार के लिए अयोग्य हो पड़ते हैं वे लोग मादक द्रव्यों का सेवन कर नशे में चूर होकर एक प्रकार की औपाधि की हरि भक्ति प्रकाश करने का अभ्यास करते हैं अथवा अभ्यास द्वारा कृत्रिम रूप से भक्ति के बाहरी लक्षणों का अबोध मानव समाज में प्रदर्शन करते हैं अथवा जड़ रति का अवलंबन करके शुद्ध रति को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। ऐसे लोग वैराग्य चिन्ह धारण कर औपाधिक वैरागी हो जाते हैं। ऐसा वैराग्य अतिशय तुच्छ और अहितकर होता है। यथार्थ वैराग्य। भक्ति उदित होने पर स्वाभाविक रूप से विषयों के प्रति जो विरक्ति होती है वही भक्त जीवन का सौंदर्य है।
कृत्रिम रूप से पहले वैराग्य धारण करके तदनंतर भक्ति का अन्वेषण करना अनैसर्गिक और अमंगलजनक होता है। सच्चा वैराग्य जात भाव स्त्री पुरुषों का भूषण है, उसे भक्ति का अंग नहीं बल्कि भक्ति का अनुभव स्वरूप कह सकते हैं। चौथा, मान्य शून्यता। स्वयं उत्तम या श्रेष्ठ होने पर भी उस विषय में अभिमान रहित होने को मान शून्यता कहते हैं। जो श्रेष्ठ नहीं है और जिनमें उत्तम गुण नहीं है उनको कोई मान नहीं देता। ऐसा मान्य शून्यता भक्त जीवन के अलंकार के रूप में कदापि ग्रहण नहीं की जा सकती। पांचवा, आशा बंध। जिनको भाव की प्राप्ति हो चुकी है ऐसे लोगों के हृदय में भगवान की प्राप्ति की संभावना दृढ़ होकर आशा बंध को उत्पन्न करती है। उस समय उनके हृदय में कुतर्क से उत्पन्न होने वाली संदेह की गंध भी नहीं रहती। छठा, सम उत्कंठा। अपने अभीष्ट की प्राप्ति में जो अत्याधिक लालसा होती है उसे समुत्कंठा कहते हैं। जात भाव वाले व्यक्तियों के लिए भगवान ही एकमात्र अभीष्ट है, अतः उनके प्रति समुत्कंठा प्रबल हो पड़ती है। सातवा, नाम कीर्तन में सदा रुचि। भावुक पुरुषों को भगवान के नाम कीर्तन में सर्वदा रुचि होती है, अर्थात उनको इसके अतिरिक्त और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आठवा, कृष्ण के गुणगान में आसक्ति। जात भाव पुरुष कृष्ण के गुणगान में सर्वदा आसक्ति प्रकाश करते हैं। यह रुचि ही अधिकतर गाढ़ी होने पर आसक्ति कहलाती है। नवा, श्री कृष्ण के वासस्थल में प्रीति। भगवान के वासस्थल में प्रीति होना भावुक पुरुषों का एक लक्षण है। भगवान के वासस्थान दो प्रकार के हैं, पहला जो प्रपंच में स्थित है और दूसरा जो प्रपंच से अतीत है। प्राकृत जगत में भगवान की लीला के जो पीठ या क्षेत्र हैं वे प्रपंचगत भागवत वासस्थल हैं। उनके प्रति पराभक्ति का संयोग करने से भक्ति नेत्रों में वे प्रपंचातीत वस्तित स्थल के निर्देशन स्वरूप होते हैं। प्रपंचातीत वस्ति स्थल चित जगत है। चित जगत दो प्रकार के हैं, शुद्ध चित जगत और भौम चित जगत। शुद्ध चित जगत विरजा के उस पार में परम व्योम स्वरूप है। वहां पर जो भिन्न भिन्न रसपीठ रूप भिन्न भिन्न प्रकोष्ठ विद्यमान हैं, उन प्रकोष्ठों में भगवान उन रसों के उपयोगी स्वरूपों में उन रसों के उपकरण स्वरूप शुद्ध जीवों के साथ नित्यकाल विराजमान रहते हैं। जो बद्ध जीव जिस प्रकोष्ठ के निर्दिष्ट रस का आस्वादन करना चाहते हैं उन जीवों के चित विभाग में भक्तिपूत हृदय में भगवान का वही विशेष स्वरूप विराजमान होता है। अतएव वैकुंठ और भक्त जीव का हृदय ये दोनों ही भगवान के वासस्थल हैं। भगवान के प्रपंच जगत वाले लीला स्थान और भक्तों के भजन पीठों को भगवान का प्रपंच विजय कह सकते हैं। श्रीधाम वृंदावन और श्रीधाम नवद्वीप आदि भगवान के लीला स्थल तथा द्वादश पाट, नैमिषारण्य आदि वैष्णव क्षेत्र, गंगा तीर, तुलसी क्षेत्र, भगवत कथा स्थान और श्री मूर्ति के अधिष्ठान भगवान के श्री मंदिर और पादपीठ आदि, ये सब भगवान के वास स्थान हैं। इन स्थानों में वास करने के लिए जात भाव पुरुषों की अतिशय प्रीति होती है। तृतीय धारा, ज्ञान विचार। पांच प्रकार के ज्ञान। भाव अवस्था को प्राप्त साधकों की ज्ञान लोचना के विषय में कैसी चेष्टा होती है यह जानने की इच्छा कुछ लोगों को हो सकती है। भाव उदय से पूर्व ही वैदिक भक्ति के साधन काल में ही साधक को भागवत शास्त्र के संपूर्ण वेदांत तत्व का ज्ञान एक प्रकार से हो गया होता है, साथ ही उनका अनर्थ अज्ञान भी दूर हो गया होता है। भाव उदित होने पर उसके आस्वादन के अतिरिक्त ज्ञान के दूसरे अंशों की आलोचना नहीं होती। ज्ञान पांच प्रकार का होता है, पहले इंद्रियार्थ ज्ञान, दूसरा नैतिक ज्ञान, तीसरा ईश्वर ज्ञान, चौथा ब्रह्म ज्ञान और पांचवा शुद्ध ज्ञान। पहला इंद्रियार्थ ज्ञान। इंद्रिय विशिष्ट जीव मात्र को इंद्रियार्थ ज्ञान प्राप्त होना संभव है। इंद्रियों के द्वारा बाह्य जगत के भाव समूह स्नायवीय शिराओं के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंचाए जाते हैं। मन
सूक्ष्म या अंतर इंद्रिय है। वह अपनी पहली वृत्ति द्वारा उन भावों को बाह्य जगत से संग्रह करता है। मन की दूसरी वृत्ति द्वारा वे संग्रहित भाव समूह स्मृति पटल में संरक्षित होते हैं। तीसरी वृत्ति द्वारा इन भावों के सम्मिलन और वियोग के द्वारा कल्पना और विभावना आदि कार्य संपन्न होते हैं। मन अपनी चौथी वृत्ति द्वारा अनेक प्रकार के संग्रहित भावों को अलग अलग श्रेणियों में विभक्त कर उनकी संख्या को कम करता है और किसी सम्मिश्रित लघु भाव को पुनः विभक्त कर उनकी संख्या में वृद्धि करता है। पांचवी वृत्ति द्वारा उन सुसज्जित भावों का युक्त अर्थ निकालता है। इसी का नाम युक्ति है। युक्ति द्वारा भले बुरे का निर्णय किया जाता है। युक्ति द्वारा ही सारे मानस और जड़ विज्ञान आविष्कृत होते हैं। जड़ विज्ञान अनेक प्रकार के होते हैं। जड़ गुण विज्ञान, साइंस ऑफ मैटर एंड मोशन, चौंबक विज्ञान, मैग्नेटिज्म, वैद्युतिक विज्ञान, इलेक्ट्रिसिटी, आयुर्वेद विज्ञान, मेडिसिन, देह विज्ञान, फिजियोलॉजी, दृष्टि विज्ञान, ऑप्टिक्स, संगीत विज्ञान, म्यूजिक, तर्कशास्त्र, लॉजिक और मनस्तत्व और मेंटल फिलॉसफी आदि। द्रव्य गुण और द्रव्य शक्ति के विज्ञान से नाना प्रकार के शिल्पों और कारुकार्यों अर्थात आर्ट एंड मैन्युफैक्चर के आविष्कार होते हैं। विज्ञान और शिल्प ये दोनों मिलकर बड़े बड़े कार्य करते हैं। धूम्रयान या रेलवे, तड़ित वार्तावह, इलेक्ट्रिकल वायर, अर्णव पोत, शिप्स और मंदिर तथा गृह निर्माण, आर्किटेक्चर, ये सब इंद्रियार्थ ज्ञान के अंतर्गत हैं। देश का ज्ञान अथवा भौगोलिक ज्ञान और काल ज्ञान, ज्योग्राफी एंड क्रोनोलॉजी, ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी, ये भी इंद्रियार्थ ज्ञान ही हैं। प्राणी विज्ञान, जूलॉजी एवं धातु विद्या, मिनरोलॉजी तथा अस्त्र चिकित्सा, सर्जरी, ये भी इंद्रियार्थ ज्ञान ही हैं। जो लोग इसी ज्ञान तक सीमित रहना चाहते हैं, वे ऐसे ज्ञान को साक्षात ज्ञान या पॉजिटिव नॉलेज कहते हैं। मानव प्रकृति केवल मात्र इंद्रियज साक्षात ज्ञान में ही आबद्ध नहीं रहना चाहती, इसलिए वह इंद्रियातीत ज्ञान में अधिकार प्राप्त करती है। दूसरा, नैतिक ज्ञान। इंद्रियार्थ ज्ञान में जगत के हित अहित का विचार कर एक नीति तत्व का योग करने से ही नैतिक ज्ञान का उदय होता है। श्रोत्र आदि इंद्रियों के साथ रूप आदि उनके विषयों का संयोग ही सुख और दुख का मूल कारण है, अर्थात मन के अनुकूल विषय के संयोग से सुख और प्रतिकूल विषयों के संयोग से दुख होता है। इस प्रकार के सभी सुख और दुख नैतिक ज्ञान के विषय हैं, क्योंकि इन घटनाओं के आधार पर ही युक्ति द्वारा नीति शास्त्र की कल्पना की गई है। साथ ही सुख की वृद्धि तथा दुख का हास करने के लिए नाना प्रकार की नीतियां, विधि विधान भी आवश्यक होते हैं। नीतियां अनेक प्रकार की हैं, जैसे राजनीति पॉलिटिक्स, दंड नीति पीनल कोड, वणिक नीति लॉज ऑफ ट्रेड, प्रयोजन विज्ञान यूटिलिटेरियनिज्म, श्रम विभाग डिविजन ऑफ लेबर, शारीर नीति रूल्स ऑफ हेल्थ, समाज नीति सोशलिज्म, जीवन नीति रूल्स ऑफ लाइफ, भाव साधन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग्स इत्यादि। केवल नैतिक ज्ञान में परलोक ज्ञान या ईश ज्ञान का भाव होता है। कुछ लोग नैतिक ज्ञान को भी साक्षात ज्ञान मानकर ही पॉजिटिविज्म या निश्चय ज्ञान कहते हैं, परंतु मनुष्य की वृत्ति इस ज्ञान से भी संतुष्ट न रहकर इससे भी आगे बढ़ने की चेष्टा करती है और बढ़ती भी है। नैतिक ज्ञान में नाम मात्र के लिए धर्म अधर्म और पाप पुण्य होते हैं तथा नैतिक ज्ञान के शारीरिक मानसिक और सामाजिक फल भी हैं, परंतु मनुष्य के मरने के पश्चात उसके द्वारा उन नीतियों के पालन का फलस्वरूप यश या अपयश के अतिरिक्त कुछ नहीं बचता। उनसे इसके अतिरिक्त और कुछ प्राप्ति की आशा भी निरर्थक है। तीसरा, ईश्वर ज्ञान। संसार के समस्त पदार्थों का गठन, उनमें परस्पर संबंध, एक दूसरे के अभावों को दूर करने में परस्पर सहयोग तथा सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्रों के नियमन आदि विषयों की आलोचना करने पर मानव बुद्धि यह स्थिर करती है कि यह जगत कदापि स्वयं आविर्भूत
नहीं हो सकता। किसी एक प्रधान ज्ञान स्वरूप तत्व के द्वारा ही जगत की सृष्टि हुई है। वह तत्व एक सर्वशक्ति संपन्न व्यक्ति है। वे जगत के पूजनीय हैं। कुछ लोगों का सिद्धांत यह है कि उन्होंने जगत की सृष्टि की है, इसलिए उनकी कृतज्ञता स्वीकार करके उनकी पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा करने से वे संतुष्ट होकर हमें और भी सुख सुविधा प्रदान करेंगे। वे हमारे सब प्रकार के अभावों तथा दुखों को दूर करेंगे। कुछ लोगों का सिद्धांत यह है कि उन्होंने अपने उच्च स्वभाववश हमारी सृष्टि करके हमारे सुख समृद्धि के लिए ये सब कुछ किया है। वे हम लोगों से अपने उपकारों के बदले कुछ भी आशा नहीं रखते। इस प्रकार अनेकों अस्थिर सिद्धांतों से युक्त ईश्वर का विश्वास का नैतिक ज्ञान के साथ संयोग करके ईश्वर ज्ञान की स्थापना होती है। सैश्वर ज्ञानवादी के मत अनुसार कर्तव्य कर्मों का भलीभांति आचरण करने से पुरस्कार के रूप में स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है तथा अकर्तव्य कर्मों से नर्क आदि क्लेश प्राप्त होते हैं। वर्णाश्रम धर्म, अष्टांग योग आदि क्रियाएं, तपस्या, देश विदेशों के विभिन्न नाम वाले ईश साधन रूप धर्मों की व्यवस्थाएं, इन सबको ईश्वर ज्ञान से ही उत्पन्न पृथक पृथक विधान समझना चाहिए। कुछ परिमाण में ज्ञान और समस्त कर्म ही इस ज्ञान के अंतर्गत हैं। इस ज्ञान में जीव के नित्य सिद्ध स्वरूप का बोध नहीं है। इस ज्ञान में अवस्थित मनुष्य जब इस ज्ञान की शूद्रता अनुभव करते हैं, तब अधिकतर उन्नति कैसे हो, इसके लिए व्यग्र हो उठते हैं। ऐसी व्यग्रता के समय जो लोग अधीरता लक्षण चापल्यवशतः युक्ति को ही बार बार पीसते रहते हैं, उनकी युक्ति आगे बढ़ने का मार्ग न पाकर शब्द की लक्षणावृत्ति का अवलंबन करती है। युक्ति का यहीं तक अधिकार है। फल यह होता है कि लक्षणावृत्ति उस पुरुष के हृदय में व्यतिरेक चिंता को जन्म देती है। जो देखा, सुना और अनुभव किया जाता है, उसके ठीक विपरीत भाव का नाम व्यतिरेक चिंतन है। जैसे जगत में आकार है, इसलिए प्राप्य तत्व निराकार है। विकार है, इसलिए प्राप्य तत्व निर्विकार है। गुण है, इसलिए प्राप्य तत्व निर्गुण है। विशेष है, इसलिए प्राप्य तत्व निर्विशेष है। ऐसे व्यतिरेक चिंता वाले व्यक्ति उक्त लक्षणों वाले एक निर्विशेष तत्व की कल्पना करके उसी में अपनी चरम गति अन्वेषण करते हैं। वे इससे आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे स्थल में ईश्वर ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान हो पड़ता है। परंतु जो लोग धैर्य अवलंबन पूर्वक आत्मा में चित्त तत्व की खोज करते हैं, वे पंचम ज्ञान रूप शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं। चौथा, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान ही चौथा ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान के अनुसार जगत अविद्या कल्पित अर्थात मिथ्या है। वस्तु केवल एक है, उसका नाम है ब्रह्म। जगत और जगत के संबंध अज्ञान या माया कल्पित हैं। अविद्या आश्रित ब्रह्म ही जीव कहलाता है, अर्थात अविद्या द्वारा आच्छादित या अविद्या में प्रतिबिंबित ब्रह्म ही जीव कहलाता है। अविद्या दूर होने पर जीव ही ब्रह्म बन जाता है। उस समय उसको शोक, भय और मोह नहीं होता। इस ज्ञान अथवा मत को मायावाद या अद्वैतवाद भी कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे पैनथीज्म कहते हैं। मायावाद और विवर्तवाद। अद्वैतवाद दो प्रकार का होता है, मायावाद और विवर्तवाद। मायावाद के अनुसार कुछ भी नहीं है, फिर भी माया द्वारा जगत की प्रतीति होती है। विवर्तवाद में किंचित परिमाण में कार्य स्वीकृत है। विवर्तवाद भी दो प्रकार का होता है, विकार और विवर्त। तत्व को स्वीकार करके जो अन्यथा बुद्धि होती है, उसे विकार कहते हैं। जैसे दही दूध का विकार है। यह दूध को स्वीकार करके उसी से अन्य वस्तु रूप दधि विकार स्वरूप उत्पन्न हुआ है। तत्व को अस्वीकार कर जो प्रतीति भासमान होती है, उसे विवर्त कहते हैं। जैसे रज्जु में सर्प ज्ञान अथवा शुक्ति में रजत ज्ञान। मायावाद और विवर्तवाद में जीववाद आदि और भी बहुत से भिन्न भिन्न प्रकार के मत हैं, परंतु कुछ मूलभूत सिद्धांत सभी में समान रूप से मान्य हैं। हम संक्षेप में उन्हें नीचे दे रहे हैं।
पहला, ब्रह्म ही एकमात्र वस्तु है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है। जो प्रतीत हो रहा है वह सत्य नहीं है, व्यावहारिक प्रीति मात्र है। दूसरा, जीव नहीं है, यदि है तो वह ब्रह्म का विकार या विवर्त है। तीसरा, जगत मिथ्या है। चौथा, जो व्यक्ति अपने आप को जीव मानकर अभिमान करते हैं, उनके द्वारा उस अभिमान को त्याग कर देने पर वे ही ब्रह्म हैं। पांचवा, मुक्ति ही चरम प्रयोजन है। छठा, ब्रह्म निर्गुण अर्थात निःशक्तिक है। व्यावहारिक प्रतीति के विरुद्ध कुछ भी कहने के लिए विशेष सतर्क होकर कहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसे कथन को प्रमाणित ना कर सकने पर उस वक्ता को विकृत मस्तिष्क की श्रेणी में रखा जाता है। जगत सत्य है, यह सहज ही विश्वास होता है। इसके लिए किसी साधारणतः युक्ति या प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। पुनः जीव एक शूद्र तत्व है, यह भी सहज प्रतीति है, तथा ब्रह्म सबके सृष्टिकर्ता नियामक और पालक है। इस पर भी युक्ति द्वारा सहज ही विश्वास होता है। परंतु इसके विपरीत मैं नहीं हूँ, जो देखता हूँ वह कैसा नहीं है, अंदर में एक सत्य है, उसी के आधार पर इस दृश्यमान जगत की झूठ मूठ ही प्रतीति हो रही है। ऐसा कहने वाला कौन है? यदि भ्रांत तत्व स्वरूप जीव अज्ञान मिश्रित ब्रह्म ही ऐसा कहता है, तो भ्रांत जीव की कही हुई सभी बातें झूठी या मिथ्या हो सकती हैं। उन पर विश्वास करना सर्वथा अनुचित है। भ्रांति मादक द्रव्यों का सेवन कर नशे में चूर व्यक्ति सब समय ऐसे ही बेसर पैर की बातें किया करते हैं। कभी कभी वे मन ही मन अपने को बादशाह या नवाब मान बैठते हैं और उसी अभिमान से कार्य करते हैं। ऐसी दशा में वे अपने को बादशाह या नवाब के बदले ब्रह्म मान बैठे तो इसमें आश्चर्य या संदेह की बात ही क्या है। भ्रांतियां कई प्रकार की होती हैं, जिनमें कुतर्क जनित भ्रांति, अधिक ज्वर आदि के कारण चित्त की भ्रांति तथा नशीली वस्तुओं के सेवन से भ्रांति आदि प्रधान हैं। तर्क द्वारा आक्रांत मानव बुद्धि ही ऐसे भीषण भ्रम की उत्पत्ति का कारण होती है। पैंथीस्ट, यूरोप के पैंथीस्ट लोगों का भी यही मत है। उनमें स्पिनोजा नामक एक पंडित अभिमानी व्यक्ति ने इस मत को चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों में जिस थियोसोफिस्ट मत का प्रचार हो रहा है, वह भी अद्वैतवाद ही है। दत्तात्रेय अष्टावक्र शंकर, पंडित अभिमानी व्यक्ति जिस मत का समर्थन करते हैं, विचार शक्ति रहित व्यक्ति उसका अनुमोदन करते ही हैं। हमारे देश में भी दत्तात्रेय अष्टावक्र और शंकर आदि तर्क प्रिय पंडित अभिमानी व्यक्तियों ने समय समय पर इसी मत का कुछ कुछ भिन्न रूपों में प्रचार किया है। आजकल वैष्णव मत को छोड़कर दूसरे सारे मत समूह इसी अद्वैत मत के ही अनुगामी हैं। ब्राह्मण समाज में यह मत अधिकांश रूप में परिलक्षित होता है। इस मत का इतने व्यापक रूप में प्रचार का एकमात्र कारण यह है कि कोई भी मत मतांतर नितांत मिथ्या या भ्रांत होने पर भी अद्वैत मत की छत्रछाया ग्रहण कर लेने पर विनष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति या संप्रदाय किसी पशु को ईश्वर मानकर पूछता है, ऐसे व्यक्ति को भी अद्वैतवाद अपनी पूर्ण सहायता प्रदान करता है। अद्वैतवाद उस व्यक्ति को अपना अनुगामी बनाने के लिए कहता है कि पशु को ईश्वर मानकर उसके प्रति मनोयोग करने पर चित एकाग्र और शुद्ध होता है। तदनंतर साधक अपने एकाग्र और शुद्ध चित को उस विषय से उठाकर अद्वैत तत्व में लगा सकता है। इस विधि से भ्रांत से भ्रांत विचारों के व्यक्ति अद्वैतवाद में शरण लेकर तथा अद्वैत तत्व को ही अपना चरम उद्धारक मानकर पूछते हैं। वे लोग मूल तत्व के गुण दोषों पर विचार नहीं करते। केवल विशुद्ध भक्त ही तत्व का अत्यंत सूक्ष्म रूप से विवेचन करके अद्वैतवाद को तिलांजलि देकर भक्ति रूप सहज धर्म का अनुशीलन करते हैं। अद्वैतवाद का विचार। यहाँ ये विचारणीय है कि अद्वैतवाद की नींव क्या है। अद्वैतवादी संसार में जिन जिन जड़ वस्तुओं को देखता है, उनको वह सूक्ष्म अनुसंधान द्वारा जड़ पदार्थ मानता है।
पुनः चेतन विशिष्ट वस्तुओं को देखकर उन्हें चेतन जातीय वस्तु मानता है। जिस वृत्ति से वह इन दोनों प्रकार की वस्तुओं को अलग अलग छांटता है, वह वृत्ति मन की वृत्ति विशेष है तथा वह युक्ति के अंतर्गत है। चित वृत्ति का मूल अनुसंधान करना उस वृत्ति का कार्य नहीं है, फिर भी बलपूर्वक उस वृत्ति को बार बार निष्पेषित कर अर्थात रगड़ कर यह सिद्धांत स्थिर करते हैं कि उक्त चित और जड़ इन दोनों का आश्रय स्थल कोई एक मूल तत्व ही हो सकता है। ऐसा सोचकर वे निर्विशेष ब्रह्म की मूल तत्व के रूप में कल्पना कर उसे ही जड़ और चेतन पदार्थों का मूल आश्रय तत्व मानते हैं। ब्रह्म विकृत होकर जगत हुआ है। उनका कहना है कि जिस प्रकार दूध विकृत होकर दही बन जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म भी विकृत होकर जगत हुआ है। अथवा जिस प्रकार सीप में कभी कभी रजत या चांदी का भ्रम होता है और रज्जू में सर्प का भ्रम होता है, उसी प्रकार उस ब्रह्म में ही जगत का भ्रम हो रहा है। इस सिद्धांत के गठन में कल्पना और युक्ति ने अत्याधिक परिश्रम किया है, यह सत्य है। फिर भी इस सिद्धांत की समीक्षा करने पर कदम कदम पर इसमें दोष और भ्रम दृष्टिगोचर होते हैं। यदि ब्रह्म को छोड़कर कोई भी दूसरी वस्तु ही नहीं है, तब इस जगत की कल्पना कैसे संभव है? रज्जु में सर्प भ्रम तथा शुक्ति में रजत भ्रम, ये उदाहरण नितांत अकर्मण्य है। इन उदाहरणों में रज्जु और सीप सत्य है, सर्प और रजत सत्य है तथा जिसको भ्रम हो रहा है वह भी सत्य है। उसी प्रकार रज्जु स्थानीय ब्रह्म, सर्प स्थानीय जगत तथा दृष्टा, ये तीनों ही सत्य हो पड़ते हैं। अतएव तीनों वस्तुओं की सत्ता स्थिर होने पर अद्वैतवाद का महल अपने आप ढह जाता है। शुक्ति और रजत का उदाहरण भी इसी प्रकार निरर्थक है। अद्वैतवाद के इस प्रकार के विचार में जगत को ब्रह्म का विकार माना जाता है। उदाहरण के रूप में दूध से दही रूप विकार को लिया जाता है। उनका यह उदाहरण भी निरर्थक ही बैठता है, क्योंकि उदाहरण में जैसे दूध सत्य वस्तु है, उसका विकार दही भी उसी प्रकार सत्य है। दही कदापि मिथ्या या ज्ञान कल्पित पदार्थ नहीं है। ठीक इसी प्रकार दूध स्थानीय ब्रह्म का विकार दधी स्थानीय जगत भी सत्य ही ठहरता है। यहाँ पर भी अद्वैत मत नहीं टिकता। अतएव अद्वैत मत के समर्थन में जितने भी उदाहरण दिए जाते हैं, वे सभी युक्ति विरुद्ध हैं। कोई भी युक्ति अद्वैत मत का स्थापन करने में समर्थ नहीं है, और यदि युक्ति को छोड़ दिया जाए तो यह मत सर्वथा असहाय हो पड़ता है और कोई भी इसका समर्थन नहीं करता। यदि मान लिया जाए कि सहज ज्ञान समर्थन करेगा तो यह भी असंभव है। सहज ज्ञान से तो भेद की ही प्रतीति हो रही है, उसको नष्ट करने के लिए ही तो युक्ति का सहारा लिया गया है। यदि कहा जाए कि वेदों में अद्वैतवाद की पुष्टि करने वाले अनेक मंत्र हैं, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अद्वैतवादी अपने मत के समर्थन में जिन श्रुतियों को आश्रय लेते हैं, उन्हीं श्रुतियों में द्वैत मत पोषक मंत्र भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। उनमें किसी विशेष मत के प्रति पक्षपात नहीं देखा जाता। अचिंत भेदाभेद तत्व ही वेद का तात्पर्य है। इसके विपरीत सूक्ष्म रूप से विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि वेद शास्त्रों में केवला अद्वैतवाद तथा नितांत द्वैतवाद, इन दोनों मतों से परे अचिंत भेदाभेद तत्व की ही शिक्षा दी गई है। उक्त दोनों विवदमान मतों को दबाने के लिए ही जगह जगह पर दोनों मतों के पोषक मंत्रों का प्रयोग किया गया है। वास्तव में केवल अद्वैत मत वेद का मत नहीं है। वेद शास्त्र सिद्ध ज्ञान के अवतार स्वरूप निरपेक्ष हैं। वेद में कोई भी मतवाद नहीं है। सहज ज्ञान, वेद शास्त्र, युक्ति, सहज अनुभूति, सिद्ध ज्ञान और प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण, इनमें से कोई भी अद्वैतवाद के समर्थक नहीं है।
भ्रांत तर्क और अंधविश्वास ही इस मत के पोषक हैं। जीव मुक्ति होने पर ब्रह्म हो जाएगा, इसके रूपक के रूप में विश्वास करने पर कोई दोष की बात नहीं है। जड़ अभिमान दूर होने पर ब्रह्म अभिमान ही हुआ करता है, परंतु उस ब्रह्म के स्वगत भेद रूप स्वाद्य, स्वादक और स्वादन, ये तीनों भेद भी उस समय उस ब्रह्मभूत व्यक्ति के अनिवार्य धर्म होंगे। वास्तविक मुक्ति। मुक्ति किसे कहते हैं? चित तत्व रूप जीव के जड़ अभिमान की समाप्ति को ही मुक्ति कहते हैं। मुक्ति एक क्षणिक कार्य मात्र है। नित्य सिद्ध जीवों के लिए मुक्ति नामक कोई भी तत्व नहीं माना जा सकता, क्योंकि वे कभी भी बद्ध नहीं हुए। जब उनका बंधन ही नहीं है, तब उनको मुक्ति की क्या आवश्यकता है? मुक्ति की आवश्यकता तब होती है जब बंधन हो। जब बंधन ही नहीं, तब मुक्ति का प्रयोजन ही क्या है? इसलिए बद्ध जीवों को ही मुक्ति संभव है। जीव दो प्रकार के होते हैं, इसे शुद्ध ज्ञान के विचार प्रसंग में बतलाया जाएगा। प्रेम सर्वजीव संबंधीय तत्व है। मुक्ति जीव के लिए प्रयोजन है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मुक्ति सर्वजीव संबंधीय तत्व नहीं है। प्रेम ही सर्वजीव संबंधीय तत्व है, अतएव प्रेम ही प्रयोजन है। अद्वैत मत में ब्रह्म को निर्विशेष या निःशक्तिक माना जाता है। इसके द्वारा ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य अन्य वस्तुएं सविशेष और सशक्तिक हैं, उससे ब्रह्म भिन्न है, क्योंकि यह ब्रह्म निर्विशेष और निःशक्तिक है। फिर तो निर्विशेषत्व और शक्ति राहित्य ही ब्रह्म के विशेष गुण हुए। इसके अतिरिक्त यदि ब्रह्म को निःशक्तिक माना जाता है, तब इस सृष्ट जगत या ब्रह्ममय जगत का अस्तित्व कहां से आया? जब इस मतानुसार ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु ही नहीं है, तब ब्रह्म की शक्ति को ही दृश्यमान जगत का कारण मानना पड़ेगा। हम मायावाद का खंडन यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारा मूल विषय अभी पठनीय है। इस विषय में हमारा यही कहना है कि चतुर्थ श्रेणी का ज्ञान, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, वह ज्ञान अंकुर रूप ईश ज्ञान की विकृति है। शंकराचार्य, अष्टावक्र, दत्तात्रेय, नानक, कबीर, गोरक्षनाथ और शिव नारायण, ये चतुर्थ श्रेणी के ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान के प्रचारक आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। उक्त ज्ञान अंकुर से जो शुद्ध ज्ञान उदित होता है, वह अद्वैतवाद नहीं है। पांचवा, शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान के संबंध में विचार करने पर ग्रंथ का कलेवर बहुत ही अधिक बढ़ जाएगा, और वास्तविक उद्देश्य जो जीव का नित्य धर्म है, उस संबंध में विचार करने के लिए स्थान अभाव हो जाएगा। इसलिए यहाँ संक्षेप में ही शुद्ध ज्ञान के संबंध में विचार किया जा रहा है। पांच प्रकार के शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान में पांच प्रकार के अनुभव सम्मिलित हैं। पहला परेशानुभव, दूसरा स्वानुभव, तीसरा सर्वधर्मानुभव, चौथा फलानुभव और पांचवा विरोधानुभव। पहला परेशानुभव। परेशानुभव तीन प्रकार का है। पहला ब्रह्मानुभव, दूसरा परमात्मानुभव और तीसरा भागवत अनुभव। पहला ब्रह्म अनुभव। जगत की समस्त साविशेष चिंताओं के विपरीत किसी निर्विशेष चिंतागत भगवत संबंधी भाव को ब्रह्म कहते हैं। परेश तत्व सभी प्रकार से स्वप्रकाश है। ज्ञान का अनुशीलन करने वाले जीवों के संबंध में यह परेश अनुभव पूर्वोक्त तीन रूपों में प्रतिभात होता है। केवल मात्र चिंता का मंथन करने से व्यतिरेक अवस्था में इस परेश तत्व का जो निर्विशेष आविर्भाव होता है, उसे ही ब्रह्म कहते हैं। परंतु यह परेश तत्व का नित्य सिद्ध स्वरूप नहीं है। विचारशील व्यक्तियों को यदि अद्वैतवाद का दोष स्पर्श न करे, तो इस उपाय के द्वारा उन्हें किंचित रूप में परेश संबंध की उपलब्धि हो सकती है। यद्यपि इसे परेश अनुभव कहा जाता है, तथापि यह अत्यंत शूद्र है। इसलिए अंत में
परमानंद प्रद नहीं होता। इसमें थोड़ी बहुत रति भी जोड़ी जा सकती है, किंतु संबंध के अभाव में उसमें रति पुष्टि की संभावना नहीं है। सनक आदि महात्मा लोग इसी रति में आबद्ध रहकर शांत रति के आश्रय रूप में उल्लिखित हुए हैं। दूसरा, परमात्मा अनुभव। परमात्मा अनुभव ही द्वितीय परिशानुभव है। तृतीय प्रकार के ज्ञान विचार में जिस ईश्वर ज्ञान का विचार विवेचन हुआ है, उसकी चरम अवस्था में ही परमात्मा अनुभव उदित होता है। बद्ध जीवों के कर्म फल प्रदाता, समस्त कर्मों के प्रयोजकर्ता, जगत में अनुरूप में प्रविष्ट परेश भाव का नाम ही परमात्मा है। अष्टांग योग आदि में जिस ईश्वर प्रणिधान की व्यवस्था दी गई है, वह परमात्मा का काल्पनिक या वास्तविक अवतार विशेष है। उसी को शास्त्रों में पुरुष कहते हैं। परमात्मा के प्रकाश दो प्रकार के हैं, पहला व्यष्टि प्रकाश और दूसरा समष्टि प्रकाश। समष्टि प्रकाश द्वारा वे विराट ब्रह्मांड विग्रह हैं। व्यष्टि प्रकाश के द्वारा वे जीवों के सहचर, उनके हृदयवासी अंगुष्ट परिमाण पुरुष विशेष हैं। कर्म मार्ग में यदि वास्तविक ईश्वर का उद्देश्य रहे, तभी कर्मकर्ता परमात्मा का उपासक होगा। चिंता की चरम अवस्था में जिस प्रकार उपास्य ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, उसी प्रकार कर्म की चरम अवस्था में उपास्य परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तीसरा, भागवत अनुभव। भागवत अनुभव ही तृतीय और अंतिम परेशानुभव है। स्वरूप विशिष्ट सर्वशक्तिमान, समस्त गुणों के आधार परेश तत्व ही भगवान है। मूल तत्व का विचार करने पर यह स्पष्ट होता है कि भगवान के अतिरिक्त और कोई दूसरी स्वतंत्र वस्तु ही नहीं है। भगवान शक्तिमान है, उनकी अचिंत शक्ति के प्रभाव से जीव और जगत सब कुछ आविर्भूत हुआ है। शक्तिमान से शक्ति अभिन्न है। जगत और जीव जब भगवत शक्ति के परिणाम है, तब वे मूल तत्व के विचार से कोई पृथक स्वतंत्र वस्तु नहीं हो सकते। फिर भी तटस्थ विचार से शक्ति को शक्तिमान वस्तु नहीं कहा जा सकता। इसलिए जगत और जीव तटस्थ विचार से पृथक पृथक वस्तुएं हैं। एक ही साथ भेद और अभेद स्वीकृत नहीं होने से यथार्थ तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। यदि यह शंका उठे कि भेद और अभेद दोनों एक ही साथ कैसे संभव है, तथा युक्ति के द्वारा भी इसका कैसे सामंजस्य किया जा सकता है, तो उसका उत्तर यह है कि यह तत्व भगवत स्वरूप को आश्रय करके रहता है। युक्ति पर तत्व को स्पर्श करने में अक्षम। भगवान की अचिंत शक्ति से भगवान में समस्त परस्पर विपरीत धर्मों का सामंजस्य संभव है। युक्ति की वृत्ति स्वभावता ही शूद्र है, अतएव यह भगवत तत्व को स्पर्श करने में सर्वथा असमर्थ है। भगवान की इच्छा और निर्विकारिता, विशेषता और निर्विशेषता, अचिंत्यत्व और भक्ति गम्यत्व, निरपेक्षत्व और भक्त पक्षपातित्व आदि अगणित विरोधी धर्म जिस विग्रह में सामंजस्य को प्राप्त हुए हैं, उसमें युगपत स्वरूपगत अभेद और तटस्थ विचारगत भेद क्या स्वीकृत नहीं हो सकते? जो केवल अद्वैत का समर्थन करते हैं, उनका जैसा भ्रम है, ठीक वैसा ही भ्रम केवल द्वैत के समर्थन करने वालों का भी है। भगवान अपने सिद्ध विग्रह में समस्त जीव और समस्त जगत से पृथक हैं। विश्वास शक्ति के प्रभाव से समस्त जीव और जड़ की नित्यता और सत्यता को सिद्ध कर रहे हैं। इसलिए वेदों में कहीं कहीं पर अद्वैत सूचक मंत्रों का और कहीं कहीं द्वैत सूचक मंत्रों का प्रयोग किया गया है। भगवान सर्ववृत्ति गम्य। भगवत अनुभव ही पूर्वोक्त ब्रह्म अनुभव और परमात्मा अनुभव का चरम आश्रय स्थल है। पूर्वोक्त दोनों ही अनुभव जीव की ज्ञान और कर्म रूप शाखा वृत्ति से संबंधित परेश तत्व के खंड अनुभव मात्र हैं। भगवत अनुभव केवल मात्र विशुद्ध भगवत भक्ति रूप साक्षात दर्शन से ही संभव है। स्वरूप प्राप्त वस्तु ही यथार्थ वस्तु है।
जिस वस्तु का स्वरूप निर्दिष्ट नहीं होता वह वस्तु का गुण मात्र है, वस्तु नहीं। ब्रह्म और परमात्मा का स्वरूप निर्दिष्ट नहीं है, उनके गुणों के परिचय से ही उनको निर्दिष्ट किया जाता है, इसलिए उनकी मुख्य स्थिति नहीं है। वे केवल भगवान की गौण स्थिति मात्र है, इसलिए वे केवल एक एक वृत्तियों के द्वारा गम्य है। भगवान सर्ववृत्ति गम्य है, समस्त वृत्तियों की अधीश्वरी भक्ति है। वे समस्त वृत्तियों को क्रोड़ी भूत कर साक्षात भगवान का दर्शन करती है। उनकी दर्शन वृत्ति चरितार्थ होने पर तद अधीन समस्त वृत्तियां ही तृप्त हो जाती हैं। चार प्रकार के भगवत अनुभव। पहला, कर्म प्रधानीभूत अनुभव। दूसरा, ज्ञान प्रधानीभूत अनुभव। तीसरा, कर्म ज्ञान उभय प्रधानीभूत अनुभव। और चौथा, केवल अनुभव। जब तक जीवों का जड़ संबंध दूर नहीं हो जाता तब तक भगवत अनुभव कार्य सब जगह एक ही समान नहीं होता। किसी किसी की कर्म प्रधान बुद्धि भक्ति की सेवा में नियुक्त रहकर उसके भगवत अनुभव को कर्म प्रधानीभूत के रूप में प्रकाशित करती है। किसी किसी की ज्ञान प्रधानीभूत बुद्धि भक्ति की सेवा में नियुक्त होकर भगवत अनुभव को ज्ञान प्रधानीभूत के रूप में प्रकाशित करती है। उसी प्रकार ज्ञान और कर्म उभयनिष्ठ बुद्धि भक्ति की सेवा में नियुक्त होकर उभय प्रधानीभूत भगवत अनुभव को प्रकाशित करती है। ये तीनों प्रकार के अनुभव जड़ से मुक्त होने पर महीन ज्ञान युक्त भगवत अनुभव के रूप में प्रकाशित होते हैं। इन अनुभवों से युक्त चरम गति भगवत पार्षद के रूप में सालोक्य, सारिष्टि और सामीप्य इन तीनों रूपों में होती है। साधन काल में जो रागानुग मार्ग के अनुसार साधन करते हैं, सिद्धि काल में उनको केवल अनुभव रूप ज्ञान की प्राप्ति होती है। वास्तविक भागवत अनुभव। वास्तव में भागवत अनुभव दो प्रकार का है, महिम ज्ञान रूप अनुभव और केवल ज्ञान रूप अनुभव। महिम ज्ञान रूप अनुभव के विषय के रूप में पर व्योमवासी अगणित ब्रह्मांडों के राज राजेश्वर परम ऐश्वर्यपति श्रीनिवास नारायण चंद्र ही लक्षित होते हैं। केवल मिश्रित महिम ज्ञान संबंध से मथुरानाथ और द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही विषय हैं। जहाँ शुद्ध केवल ज्ञान है वहाँ व्रजपति श्री कृष्ण को ही अनुभव का एकमात्र विषय जानना चाहिए। महिम ज्ञान एवं केवल अनुभव का जो भेद है वह नित्य भागवत तत्वगत है। वह भेद केवल प्रपंच में साधन काल में ही लक्षित होता है, ऐसा नहीं। दोनों प्रकार के भगवत अनुभव ही वैकुंठ तत्व के अनुगत और नित्य हैं। भगवत अनुभव महिम ज्ञान से युक्त हो अथवा केवल हो, भगवत अनुभव तीन प्रकार का होता है। पहला, स्वरूपगत भगवत अनुभव। दूसरा, शक्तिगत भगवत अनुभव। और तीसरा, क्रियागत भगवत अनुभव। भगवान का स्वरूप। भगवान का नित्य विग्रह ही भगवान का स्वरूप है। ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य ये भगवान के छह स्वरूपगत गुण हैं। जड़ीय वस्तुओं में जिस प्रकार गुण और गुणी का परस्पर भेद होता है, प्रकृति से अतीत तत्व भगवान में इस प्रकार का कोई भेद नहीं होता। फिर भी गुण समूह जिस विशेष गुण के द्वारा नियमित होते हैं, वही गुण सर्व प्रधान होकर समस्त गुणों के आधार के रूप में प्रकाशित होता है। पूर्वोक्त छह गुणों में से श्री अर्थात शोभा यद्यपि गुणों के अंतर्गत ही परिगणित होती है, फिर भी श्री ही समस्त गुणों का आधार है। श्री ही भगवत विग्रह रूपिणी परमा शक्ति है। उसी विग्रह में अन्य अन्य समस्त गुण न्यस्त होकर भगवान के अखंडत्व, सर्व प्रभुत्व, असीम वीर्य, अनंत यश, सर्वज्ञता और सभी विधियों के विधातृत्व का विधान कर रहे हैं। जो लोग भगवान के नित्य विग्रह को स्वीकार नहीं करते वे भक्ति वृत्ति के नित्यता की कदापि रक्षा नहीं कर सकते। अचिंत्य विग्रह श्री भगवान चित जगत के सूर्य स्वरूप प्रकाशमान तथा चंद्र स्वरूप आनंद विस्तारक हैं।
विग्रह होने से वे विग्रह जड़िए ही होंगे, ऐसा सिद्धांत जड़ बुद्धि वाले व्यक्ति ही किया करते हैं। जड़ जगत में जिस प्रकार जड़ीय विग्रह के द्वारा व्यक्तियों में परस्पर भिन्नता का परिचय पाया जाता है, चित जगत में भी उसी प्रकार चित विग्रह के द्वारा भगवान अन्य अन्य चित से पृथक रहते हैं। चित विग्रह। भगवान का चित विग्रह समस्त चित तत्व का परम आकर्षक और अधिपति है। जड़ जगत में विशेष नामक जो धर्म है वह जड़ जगत में ही उत्पन्न होकर जड़ के साथ ही लय हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। जड़ जिस प्रकार चित तत्व का प्रतिफलित तत्व विशेष है, उसी प्रकार विशेष धर्म भी चित जगत धर्म है। प्रतिफलित जड़ में प्रतिफलित धर्म के रूप में वह प्रकाशित हुआ है। यदि विशेष तत्व भगवत तत्वगत धर्म नहीं होता तो किसी प्रकार भी सृष्टि संपन्न नहीं हो सकती थी, एवं जीव भी अस्तित्व को प्राप्त होकर जड़ के संबंध में विचार नहीं कर पाता। उसी चित जगत विशेष धर्म के द्वारा परमेश्वर की शक्ति, इच्छा और क्रिया सभी विचित्र हैं। भगवान का श्री विग्रह सारे वैकुंठ तत्व से पृथक रहकर भी सर्वत्र व्यापक है। यहाँ तक कि वैकुंठ के प्रतिफलन स्वरूप जड़ जगत में भी वे सर्वत्र पूर्ण रूप से युगपत अवस्थित हैं। इसलिए भगवान का स्वरूप विग्रह अलौकिक और अचिंत्य है। उसी स्वरूप सूर्य के गुण किरण रूप ब्रह्म अनंत जगत के जीवन के रूप में वर्तमान है। परमात्मा समष्टि और व्यष्टि जगत के नियामक के रूप में वर्तमान है। ब्रह्म एवं परमात्मा रूप में सर्वव्यापी होने पर भी भगवत स्वरूप नित्य वैकुंठ के लीला विग्रह विशेष है। ऐश्वर्य प्रधान प्रकाश में इस विग्रह की एक प्रकार की मूर्ति होती है। वही मूर्ति अनंत मूर्तियों के रूप में भिन्न भिन्न लीलाओं का आश्रय है। माधुर्य प्रधान प्रकाश में वही विग्रह श्री कृष्ण रूप में चित विलास समूहों के अनंत अंतरंग प्रभाव से मंडित होकर नित्य व्रज लीला परायण है। जिनके हृदय में रस तत्व प्रकाशित होता है वे ही इस लीला का अनुभव कर पाते हैं। भगवान का स्वरूप नित्य सिद्ध है। कोई विशेष चिन्मय धाम, उपकरण, चिन्मय काल और परिकर समूह उस स्वरूप के नित्य सहचर हैं। उस रस के रसिक व्यक्तियों के निकट ही वह अस्वादनीय होता है। उसी स्वरूप का आश्रय कर अनंत चित विलास नित्य नवीन रूप में प्रवाहित हो रहे हैं। वह स्वरूप, उनका धाम, उपकरण, सहचर और उनके विलास सभी चिन्मय नित्य परम उपादेय निर्दोष एवं समस्त विशुद्ध जैव आशा के एकमात्र विषय हैं। निर्विशेष कल्पना। जड़ जगत अच्छा नहीं लगता, परंतु उच्च जगत की भली भांति उपलब्धि भी नहीं हो पाई है। ऐसी अवस्था में विद्यमान व्यक्ति एक निर्विशेष भाव की कल्पना करते हैं। गंभीर रूप से विचार किए बिना ही वे ऐसा सिद्धांत गढ़ लेते हैं कि जड़ जगत के ठीक विपरीत जितने भी भाव हैं उनकी समष्टि द्वारा उच्च जगत निरूपित होता है। जैसे जड़ जगत में आकार, विकार, गुण, विशेष, छाया, कर्म एवं अनेकत्व आदि भाव समूह पाए जाते हैं। इनके ठीक विपरीत निराकार, निर्विकार, निर्गुण, निर्विशेष, अछाया, निष्कर्म्य एवं अद्वयत्व आदि ये समस्त भाव समूह एकत्रित होकर जिस जगत को प्रकाशित करते हैं वही उच्च जगत है। परंतु सूक्ष्म रूप से विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह सिद्धांत केवल युक्ति द्वारा कल्पित है। जड़ से ही युक्ति का जन्म होता है। अत्यंत मथे जाने पर युक्ति उनके विषयों के एक विपरीत भाव की कल्पना करा देती है। अतएव यह सिद्धांत कल्पना की एक प्रकार की अवस्था ही है। चित आलोचना के द्वारा जो कुछ पाया जाता है उस वस्तु को कल्पना नहीं दे सकती। देने की तो बात ही पृथक है, उसे स्पर्श तक नहीं कर सकती। अच्छा, युक्ति ही है बतलाए कि वस्तु का लक्षण क्या है और अवस्तु का लक्षण क्या है। युक्ति यदि पक्षपाती और कुसंस्कार विशिष्ट ना हो तो यह अवश्य ही यह कहेगी कि अवस्तु का नाम असत्ता है, अर्थात जो नहीं है वही अवस्तु है, तथा जिसकी सत्ता है वही वस्तु है।
आशाकृत जगत यदि अवस्तु हो तब उसके संबंध में सिद्धांत करना अथवा उसको जानने के लिए साधन आदि परिश्रम करना सभी कुछ मिथ्या और व्यर्थ है। यदि वह वस्तु है तो उसमें वस्तु का लक्षण होना चाहिए। वस्तु का लक्षण। वस्तु का लक्षण यह है कि प्रत्येक वस्तु में अस्तित्व, विशेष, क्रिया और प्रयोजन अवश्य होंगे। यदि अस्तित्व ना रहे तो नास्तित्व उपस्थित होकर वस्तु को लोप करता है। यदि विशेष ना रहे तो उस वस्तु का स्वतंत्र वस्तु तत्व सिद्ध नहीं होता। यदि क्रिया नहीं रहती तो परिचय के अभाव में उसे आभास ही कहा जाएगा। यदि प्रयोजन नहीं रहे तो उसे स्वीकार करना व्यर्थ है। उच्च जगत को अवश्य ही वस्तु कहना होगा, तब उसका अस्तित्व है, विशेष है, क्रिया है और प्रयोजन है। जड़ जगत का विपरीत धर्म यही निर्विशेष भाव है और यही वस्तु है, ऐसा किसने कहा है? यदि ऐसा कहना चाहो तो तुम्हारे सिद्धांत को भिक्षालब्ध सिद्धांत कहा जाएगा। यदि विशुद्ध रूप में युक्ति की सहायता लो तो अवश्य यही कहोगे कि वह उच्च जगत दोष शून्य और जड़ से विलक्षण है। जड़ से विपरीत कहने पर एक अपक्व सिद्धांत तुम पर आक्रमण करेगा। कोई विपरीत वस्तु है या नहीं, उसका कोई भी परिचय नहीं है। अतएव विपरीत वस्तु स्वीकार करना नशाखोरों का सिद्धांत हो जाएगा। जड़ के हेयत्व वर्जित लक्षण द्वारा उस जड़ से विलक्षण जगत का अनुभव करने पर दोष नहीं होता। विशेषकर युक्ति रूप यंत्र जड़ के अतिरिक्त किसी भी सत्ता का परिचय कराने में असमर्थ है, परंतु जीव के चित्त सत्व पर जो विशुद्ध ज्ञान लक्षण रूप आत्म प्रत्यय वृत्ति है, उसी के द्वारा उस उच्च जगत के अस्तित्व, विशेष, क्रिया और प्रयोजन कुछ कुछ अंशों में परिज्ञात होते हैं। चित्त वस्तु में अस्तित्व, विशेष, क्रिया और प्रयोजन नहीं है, ऐसा कहने से चित्त तत्व ही स्वीकृत नहीं होता। यदि युक्तिवादी कुसंस्कार को छोड़कर इस विषय की निरपेक्ष आलोचना करें तो वे सहज ही उस विषय को समझ सकते हैं। भगवान की शक्ति अचिंत्य है। शक्तिगत भगवत अनुभव होने पर जीव के सारे संशय दूर हो जाते हैं। भगवान की शक्ति अचिंत्य, अवितर्क्य और अपरिमय है। भगवान स्वरूप से वस्तुतः अभिन्न किंतु कार्यतः भिन्न रूप में यह शक्ति प्रकाशित होती है। मानव बुद्धि जितनी ही दूर क्यों न जाए, वह पराशक्ति के संबंध में कुछ भी सिद्धांत नहीं कर सकती। फिर भी दूर आग्रह कर उसके संबंध में कोई सिद्धांत करने की चेष्टा करे तो वह पशु की तरह निश्चेष्ट होकर आशाहीन हो जाएगी। वह पराशक्ति समस्त विरोधी गुणों की आश्रय स्थली और नियामिका है। इच्छा और निर्विकारिता, विशेष और निर्विशेषता, एक स्थान व्यापित्व और सर्वव्यापित्व, वैराग्य और राग विलास, निष्कर्म्य और क्रिया, युक्ति और स्वेच्छामयता, विधि और स्वाधीनता, प्रभुत्व और कैकर्य, सर्वज्ञता और ज्ञान संग्रह, मध्यमाकार और अपरिमयता, सर्वार्थ सिद्धता और बालचेष्टा, ऐसे ऐसे समस्त प्रकार के परस्पर विरोधी गुण समूह इस शक्ति के आश्रय में सामंजस्य स्वीकार करते हैं। उस पराशक्ति के चित प्रभाव के द्वारा भगवत स्वरूप विग्रह, लीला स्थान एवं लीला के उपकरण समूह नित्य रूप में प्रकाशमान है। उसी शक्ति के जीव प्रभाव द्वारा अनंत संख्यक मुक्त और बद्ध जीव अनंत चित्तकाल में अवस्थित हैं। उसी शक्ति के माया प्रभाव से अनंत जड़मय जगत उत्पन्न होकर बद्ध जीवों के पांथ्य निवास रूप में विस्तृत है। उन प्रभावों के संधनी अंश से उन धामों के देश, काल, स्थान, द्रव्य और अन्य अन्य उपकरण समूह उत्पन्न हुए हैं। सम्मित अंश से भाव, ज्ञान और संबंध समूह उत्पन्न होकर अपने अपने धाम की भाव विचित्रता को प्रकाशित कर रहे हैं। आह्लादनी के अंश से सब प्रकार के धाम उपयोगी आनंद स्वरूप आस्वादन कार्य का संपादन होता है। संक्षेप में यह ज्ञान लेना चाहिए कि भगवत वस्तु अपनी शक्ति के द्वारा ही प्रकाशित होती है।
क्रियागत भगवत अनुभव का वर्णन रस विचार में किया जाएगा, उसके संबंध में यहाँ विस्तार पूर्वक नहीं लिखा गया। स्वानुभव। स्वानुभव ही शुद्ध ज्ञान का द्वितीय प्रकरण है। जीव द्वारा अपने स्वरूप की अनुभूति प्राप्त करने का नाम ही स्वानुभव है। जीव का स्वरूप क्या है? भिन्न भिन्न प्रकृति के वशीभूत व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर भिन्न भिन्न प्रकार से दिया करते हैं। नीति विरुद्ध या अंत्यत जीवन में अवस्थित व्यक्तियों का उत्तर उस प्रकार का होता है कि प्राकृत अणु परमाणुओं के यथोचित संयोग से मानव देह और देह में स्थित यंत्र समूह उत्पन्न होते हैं तथा उन यंत्रों के चलने से उसमें अनुभव और विभिन्न प्रकार का विचार युक्त ज्ञान पैदा होता है। उस ज्ञान और यंत्रों से युक्त मानव शरीर ही जीव है। मानव शरीर के छूट जाने पर अर्थात उसके नष्ट हो जाने पर जीव नाम का कुछ भी अविशिष्ट नहीं रहता। इनके विचार से पशुओं को जीव नहीं कहा जा सकता। जो लोग नैतिक जीवन में अवस्थित हैं, उनका भी उत्तर पूर्वोक्त उत्तर जैसा ही होता है। केवल एक बात इनमें अधिक यह होती है कि वे जीव को नीति परायण मानते हैं। इनके विचार से नीति विरुद्ध कार्य और नीति द्वारा ही पशु और मनुष्य का भेद स्थिर होता है। कल्पित सेश्वरवादी नैतिक व्यक्ति भी लगभग ऐसा ही कहते हैं। केवल अधिक रूप में यह कहते हैं कि जीव के सामाजिक कल्याण के लिए एक कल्पित ईश्वर विश्वास रखकर उसके अधीन रहना उचित है। सच्चे ईश्वरवादी नैतिक व्यक्ति का यह कथन है कि ईश्वर ने माता के गर्भ में जीव को पैदा किया है। कर्तव्य पालन के द्वारा स्वर्ग आदि लोकों का भोग करने में जीव का अधिकार है। कुकर्म से नर्क मिलता है। जिस प्रकार जीव अपने जन्म से पूर्व की बातों को नहीं जानता, उसी प्रकार वह परलोक की बातों को भी स्पष्ट रूप से नहीं जान पाता। अतएव जीव और जड़ का परस्पर क्या संबंध है, वह उसे समझ नहीं पाता। ब्रह्म ज्ञान परायण व्यक्तियों का इस विषय में ऐसा सिद्धांत तो होता है कि जीव वास्तव में ब्रह्म ही है। अविद्याग्रस्त होने पर ब्रह्म ही जीव है। अविद्या का बंधन दूर होने पर जीव ब्रह्म हो जाता है। जीव चित वस्तु और अणु चैतन्य है। उपरोक्त अस्फुट असंपूर्ण और दोषपूर्ण सिद्धांतों के द्वारा जीव अपने शुद्ध स्वरूप का बोध प्राप्त नहीं कर सकता। विशुद्ध ज्ञान का अवलंबन करने से ही यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि जीव दुखपूर्ण संसार का नित्य निवासी नहीं है। जीव की जो वर्तमान देह है वह उसका नित्य देह नहीं है। जीव चित वस्तु है, भगवान विभु चैतन्य है और जीव उनका अणु चैतन्य है। भगवान सूर्य स्थानीय है तो जीव किरण कर्ण स्थानीय है। भगवान पूर्ण सच्चिदानंद है एवं जीव चिदानंद कण विशेष है। जड़ जगत और जड़ भगवान के उतने समीपवर्ती तत्व नहीं है क्योंकि उनमें चित्त का विपरीत भाव परिलक्षित होता है। किंतु जीव स्वयं चित्त वस्तु है, इसलिए वह भगवान का अति समीपवर्ती संबंध युक्त तत्व है। जैसे भगवान का एक स्वरूप विग्रह है, ठीक उसी प्रकार जीव की भी एक नित्य चित्त देह होती है। वही चित्त देह वैकुंठ धाम में प्रकाशित रहती है। चित्त देह के दो आवरण। जड़ जगत में बद्ध होने पर वह चिन्मय देह माया के आवरणों से ढकी रहती है। पहले आवरण को लिंग आवरण या लिंग शरीर कहते हैं। मन बुद्धि और अहंकार ये लिंग जगत के तत्व हैं। यह लिंग जगत जड़ जगत की अपेक्षा सूक्ष्म होता है, इसलिए लिंग आवरण भी सूक्ष्म होता है। स्थूल जगत में जो आत्मबुद्धि और स्थूल शरीर में मैं का जो अभिमान होता है उसे ही अहंकार कहते हैं। जड़ के साथ संबंध होने से पूर्व जीव की जो चित्त देह थी उस देह में उसका जो आत्मभिमान था या है वह सर्वथा उचित और स्वाभाविक है। परंतु जड़ संबंध होने पर जड़ीय वस्तुओं में मैं का अभिमान औपाधिक और अनुचित है। इसी का दूसरा नाम अविद्या है।
यह अहंकार ही जड़ और जीव के बीच में बंधन का सूत्र है। जड़ में स्थित होकर जीव जिस समय जड़ में अभिनिवेश करते हैं, उस समय यह अहंकार कुछ स्थूल होकर चित्त कहलाता है। जब जड़ पदार्थों के प्रति विचार वृत्ति को चलाते हैं, तब वही तत्व कुछ और भी स्थूल आकार धारण कर बुद्धि हो पड़ती है। तदनंतर इंद्रिय शक्ति के द्वारा जब साक्षात रूप में जड़ की आलोचना करते हैं, तब इसी तत्व को मन कहा जाता है। अहंकार से लेकर मन तक जितने भी तत्व हैं, वे शुद्ध जीव निष्ठ नहीं हैं, अतच वे जड़ भी नहीं हैं। इसलिए उन सब को लिंग कहा जाता है। शुद्ध अवस्था में जीव की जो चित्त देह, उनका जो चित्त कार्य और चिद अनुशीलन होता है, उन सब का कुछ आंशिक लक्षण लिंग शरीर में लक्षित होने के कारण मध्यवर्ती तत्व को लिंग कहते हैं। लिंग शरीर द्वारा आच्छादित जीव के चित शरीर में जो मैं और मेरा का भाव था, वह जड़ संग से अत्यंत सीमित होकर लिंग शरीर में युक्त हो जाता है और चित शरीर वाला यथार्थ मैं और मेरा का शुद्ध अभिमान क्रमशः लुप्त प्राय और विस्मृत होने लग जाता है। पुनः लिंग शरीर में आत्मबुद्धि उदित होने पर तथा उस लिंग शरीर का जड़ शरीर के साथ साक्षात संबंध होने के कारण जड़ शरीर में ही आत्मबुद्धि अर्थात मैं का अभिमान आरोपित हो जाता है। इस अवस्था में शुद्ध जीव का अपने चित शरीर में जो कृष्णदास का अभिमान था, वह रूपांतरित होकर विषय दास रूप अभिमान उदित हो पड़ता है। यही जीव की पूर्ण रूप से माया बद्धता है। जीव की चित्त देह का प्रथम आवरण लिंग देह है और द्वितीय आवरण स्थूल देह है। स्थूल शरीर जो कुछ कर्म करता है, लिंग शरीर उन कर्मों के फल को अपने साथ लेकर दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। इस प्रकार एक स्थूल शरीर को छोड़कर दूसरे स्थूल शरीर को ग्रहण करता हुआ बद्ध जीव एक ऐसे कर्म चक्र में फंस जाता है कि उससे निकलना बड़ा कठिन हो पड़ता है। कर्म अनादि कैसे? तत्वज्ञ पुरुष कर्म को अनादि किंतु अंतयुक्त तत्व मानते हैं। जो कर्म जड़ जगत को छोड़कर अन्यत्र नहीं है, वह जीव की मुक्ति होने पर नष्ट हो जाता है। ऐसा सभी तत्ववादियों का मत है। परंतु कर्म अनादि कैसे है? इस विषय को अधिकांश लोग स्पष्ट रूप से समझ नहीं पाते। चित काल के जड़ प्रतिफलन रूप में जड़ीय काल कर्म के व्यवहार उपयोगी एक जड़ द्रव्य है। जीव वैकुंठ में चित काल का अवलंबन करते हैं। वैकुंठ में भूत और भविष्य काल का अस्तित्व नहीं है, वहां केवल वर्तमान ही होता है। जड़बद्ध होने पर जीव जड़ीय काल में प्रवेश कर भूत भविष्य और वर्तमान रूप त्रिकाल के अंतर्गत सुख दुख का भोग करता है। जड़ काल चित काल से निकलने और चित काल अनादि होने के कारण जीव के जड़ीय कर्म का आदि जो भगवत विमुक्ता है, वह जड़काल के पूर्व से ही चली आ रही है। अतएव जड़काल के संबंध में तटस्थ विचार से कर्म का मूल जड़काल से पूर्ववर्ती होने के कारण कर्म को अनादि कहा गया है। यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि कर्म जड़काल के पूर्व से चलते रहने के कारण अनादि तो है, फिर भी जड़काल के मध्य ही उसका अंत लक्षित होने से कर्म को विनाशी कहना युक्ति विरुद्ध नहीं है। जड़काल के भीतर कर्म का आदि तो नहीं है, परंतु अंत अवश्य है। उक्त विवेचन से यह सिद्धांतित होता है कि जीव दो प्रकार के हैं, मुक्त और बद्ध। मुक्त जीव भी ऐश्वर्यमय और माधुर्यमय स्वभाव के भेद से दो प्रकार के होते हैं। बद्ध जीव पांच प्रकार के होते हैं, पूर्ण विकसित चेतन, विकसित चेतन, मुकुलित चेतन, संकुचित चेतन और आच्छादित चेतन। दो प्रकार के मुक्त जीव। मुक्त जीव दो प्रकार के होते हैं, नित्य मुक्त और बद्ध मुक्त। जो जीव कभी जड़बद्ध नहीं हुए और निरंतर वैकुंठ में ही वास करते हैं, वे नित्य मुक्त जीव हैं।
निष्कपट और निस्वार्थ रूप से निरंतर भगवत सेवन ही उनका स्वभाव और क्रिया है। वे भगवान की अनंत लीलाओं में उनके सहयोगी होते हैं। जिस समय भगवान अपनी अचिंत शक्ति के प्रभाव से संसार में अवतीर्ण होते हैं, उस समय अनेकों नित्य मुक्त जीव भगवान की इच्छा से भगवान के साथ इस संसार में आते हैं, परंतु वे कभी भी मायाबद्ध नहीं होते। लीला समाप्त होने पर भगवान के साथ ही वे भी शुद्ध धाम में चले जाते हैं। वे सभी जीव भगवान के नित्य सिद्ध परिकर हैं, वे संख्या में अगणित हैं। बद्ध मुक्त जीवों का आचरण सब प्रकार से नित्य सिद्धों की तरह ही होता है। बद्ध अवस्था से मुक्त होने के कारण ये जड़ जगत के सारे विषयों से अवगत होते हैं। ये लोग समय समय पर जड़ जगत में आविर्भूत होकर उपयुक्त जीवों के प्रति कृपा पूर्वक भगवत आज्ञा को सुनाते हैं। ये इच्छानुसार अपने अपने सिद्ध दह से विचरण करते हैं और पुनः शुद्ध धाम में चले जाते हैं। ये जड़ जगत में विचरण करने पर भी पुनः बद्ध नहीं होते। चिन्मय धाम में हेता का अभाव। मुक्त जीवों का आश्रय अहंकार, चित्त, मन, इंद्रियां और शरीर सब कुछ चिन्मय होता है। उनमें दूसरों का संग करने अर्थात मैथुन आदि की कामनाएं नहीं रहती। वहां तो एकमात्र भगवत सेवा की ही अभिलाषा प्रबल होती है। वे विभिन्न प्रकार के संबंधों से युक्त होकर विचित्र सेवाओं में नियुक्त रहते हैं। ऐश्वर्य भाव युक्त जीव दास्य भाव तक प्राप्त करते हैं। माधुर्य भाव वाले जीव समूह सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार सेवा को प्राप्त होते हैं। प्रत्येक मुक्त जीव अपने अपने भाव के अनुरूप स्वभाव अंगीकार करके कोई स्त्रीत्व और कोई पुरुषत्व भाव में स्थित रहता है। वहां जड़ शरीर की भांति स्त्री व्यवहार, संतान उत्पत्ति और शारीरिक मलमूत्र त्याग की आवश्यकता नहीं होती। भगवत प्रसाद रूप चित पदार्थों के सेवन से प्रीति धर्म की पुष्टि होती है। भगवत सेवा के लिए सखा और सखियों में मिलन तथा एकत्र वास आदि निरंतर होता है। वहां शोक, भय और मृत्यु नहीं है। वहां किसी भी प्रकार का अभाव नहीं है। वहां का काल चिन्मय होता है, अर्थात उस काल में भूत और भविष्य नहीं होता, केवल वर्तमान काल ही समस्त क्रियाओं का संपादन करता है। वहां स्मृति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सिद्ध ज्ञानगत स्मृति कार्य वर्तमान काल में बड़ी आसानी से ही हो जाया करता है। शुद्ध अहंकार। मैं नित्य कृष्ण दास हूं, अपने को ऐसा जानना ही शुद्ध अहंकार है। वहां पर आनंद सर्वदा नित्य नूतन और अधिकतर घनीभूत होकर प्रकाशित रहता है। वहां तृप्ति नामक कोई अवस्था नहीं होती। लोभ और आनंद निर्बाध और प्रचुर रूप में परिलक्षित होता है। भगवत सेवा उपयोगी रस के अनुसार वहां पर अनंत प्रकोष्ठ नित्य विद्यमान है। रसों में श्रृंगार रस ही सर्वप्रधान है। उसमें भी संबंध रूप श्रृंगार की अपेक्षा काम रूप श्रृंगार अधिक बलवान होता है। उसी काम रूप श्रृंगार रस के पीठ स्वरूप नित्य वृंदावन उन अनंत प्रकोष्ठों में सबसे ऊपर विराजमान है। सभी रसों में भगवान स्वयं सेव्य होकर एक भाग और सेवक रूप में दूसरा भाग ग्रहण कर उस दूसरे भाग वाले स्वरूप को उन रस सेवियों के लिए आदर्श स्थल बनाकर अचिंत लीला का विस्तार करते हैं। श्रृंगार में श्रीमती राधिका, वात्सल्य में श्रीनंद यशोदा, सख्य में सुबल और दास्य में रक्तक, उस रस में भगवान के सेवक भाव विशेष हैं। इनमें केवल मात्र यह भेद है कि श्रृंगार रस में जिस प्रकार श्रीमती राधिका साक्षात भगवत विभाग विशेष हैं, वहां दूसरे रसों में बलदेव ही एकमात्र साक्षात विभाग हैं। श्री नंद यशोदा, सुबल और रक्तक को उन्हीं श्री बलदेव का अंग व्यूह स्वरूप समझना चाहिए। प्रकट समय में अचिंत शक्ति के द्वारा प्रपंच में अपने पीठ और अनुचरों के साथ श्री कृष्णचंद्र विहार करते हैं।
उन सब विहार कार्यों में भगवान, उनके अनुचर वर्ग, उनके रसो उपकरण समूह और उनका रसपीठ आदि जो प्रापंचिक नेत्रों से दिखलाई पड़ते हैं, वे किसी भी सांसारिक विधि के अधीन नहीं हैं। प्रत्युत वे भगवान की अचिंत शक्ति के स्वाधीन कार्य विशेष हैं। बद्ध जीव। बद्ध जीवों को पांच प्रकार का कहा गया है। पहला पूर्ण विकसित चेतन, दूसरा विकसित चेतन, तीसरा मुकुलित चेतन, चौथा संकुचित चेतन और पांचवा आच्छादित चेतन। इनमें पूर्ण विकसित चेतन और मुकुलित चेतन श्रेणियों में स्थित बद्ध जीव समूह नर शरीर युक्त होते हैं। संकुचित चेतन श्रेणी वाले बद्ध जीव पशु पक्षी सांप आदि शरीरधारी होते हैं। आच्छादित चेतन श्रेणी वाले बद्ध जीव वृक्ष और पत्थर आदि शरीरों से युक्त होते हैं। कृष्णदास से विस्मृत होने के कारण ही जीव का अविद्या बंधन है। यह विस्मृति जितनी ही अधिक गाढ़ी होती है, चेतन विशिष्ट जीव की जड़ दुखावस्था की प्राप्ति भी उतनी ही अधिक गाढ़ी होती है। जहाँ चेतन धर्म आच्छादित हो पड़ता है, वह अवस्था अत्यंत बहिर्मुख अवस्था है। केवल मात्र साधु संग और उनके चरण रज से अभिषेक द्वारा ही उक्त अवस्था से उद्धार होता है। अहिल्या, यमला, अर्जुन और सप्तताल विषयक पौराणिक उपाख्यानों के अनुशीलन से यह विषय सहज ही समझा जा सकता है। उक्त तीनों उदाहरणों में भगवत संसर्ग ही साधु संसर्ग या साधु संग है। पूर्ण प्रेम को प्राप्त हुए जीव अथवा भगवान को छोड़कर और किसी के भी संसर्ग से उस अवस्था से उद्धार नहीं होता। जड़ चेतन धर्म संकुचित होता है, वहां भी निगराज के गिरगिट योनि से उद्धार में केवल भगवत संस्पर्श ही एकमात्र कारण है। पूर्ण प्रेम को प्राप्त हुए पुरुषगण अर्थात नारद आदि भक्तों और सिद्ध जीवों की कृपा से ही संकुचित जीवों का उद्धार होता है। पांच प्रकार के नर जीवन। नर शरीर में मुकुलित चेतन, विकसित चेतन और पूर्ण विकसित चेतन श्रेणियों के बद्ध जीवों का उल्लेख किया गया है। उनके उदाहरण अत्यंत सहज हैं। नर जीवन के प्रति दृष्टिपात करने पर सहज रूप में देखे जा सकते हैं। नर जीवन पांच प्रकार का है। पहला नीति शून्य जीवन, दूसरा केवल नैतिक जीवन, तीसरा सेश्वर नैतिक जीवन, चौथा साधन भक्त जीवन और पांचवा भाव भक्त जीवन। नीति शून्य जीवन और केवल नैतिक जीवन में ईश्वर चिंतन या ईश्वर विश्वास नहीं होता। सेश्वर नैतिक जीवन दो प्रकार का होता है, कल्पित सेश्वर नैतिक जीवन और वास्तव सेश्वर नैतिक जीवन। नीति शून्य जीवन, केवल नैतिक जीवन और कल्पित सेश्वर नैतिक जीवन, इनमें मुकुलित चेतन जीव की स्थिति होती है। इनमें मुक्ति तक मनोवृत्ति परिलक्षित होती है। इनमें इससे उच्च वृत्ति का कोई परिचय नहीं मिलता, इसलिए नर चेतन जिस सीमा तक समृद्धि योग्य है, उसकी तुलना इन तीनों अवस्थाओं में चित चेतन केवल मुकुलित हुए हैं, प्रस्फुटित नहीं। यही सिद्धांतित होता है। वास्तव सेश्वर नैतिक जीवन में चेतन पुष्प के प्रस्फुटित होने की उन्मुखता लक्षित होती है, क्योंकि उसमें ऐसा विश्वास पैदा हो जाता है कि सबकी सृष्टि करने वाले, सबका पालन करने वाले, सबका नियमन करने वाले कोई एक परम पुरुष अवश्य हैं। परंतु उस समय भी वह पुष्प प्रस्फुटित नहीं होता। साधन भक्तिमय जीवन में श्रद्धा, निष्ठा, रुचि और आसक्ति रूप पंखुड़ियां खिलने लग जाती हैं। पूर्ण रूप में खिल जाने पर ही भाव भक्त का जीवन आरंभ होता है। अतएव वास्तविक सेश्वर नैतिक जीवन तथा साधन भक्तिमय जीवन, इन दोनों अवस्थाओं में ही विकसित चेतन जीव परिलक्षित होते हैं। भाव भक्तिमय जीवन में पूर्ण विकसित चेतन जीव को लक्ष्य किया जाता है। भाव भक्ति पूर्ण होने पर ही प्रेम भक्ति होती है। भाव भक्ति कहने से यहाँ प्रेम भक्ति को ही समझना चाहिए। प्रेम भक्ति की जीवन समाप्ति पर जड़ संबंध नहीं रहता।
उस समय जीव बद्ध मुक्त होकर शुद्ध धाम में निवास करता है। स्वधर्मानुभव। स्वधर्म अनुभव अर्थात अपने स्वधर्म का अनुभव ही शुद्ध ज्ञान का तृतीय प्रकरण है। स्वधर्म किसे कहते हैं? इसका साधारण उत्तर है कि अपना धर्म ही स्वधर्म है। प्रत्येक वस्तु का अपना एक धर्म होता है। वस्तु का धर्म वस्तु से अलग नहीं होता। जीव रूप वस्तु का स्वधर्म है प्रीति। धर्म के ही दूसरे नाम हैं शक्ति, गुण, प्रकृति या वृत्ति। धर्म ही तद अधिष्ठित वस्तु का एकमात्र परिचय है। अग्नि क्या चीज है? इसे जाना नहीं जाता, परंतु दग्ध करना, उत्ताप प्रदान करना और प्रकाश करना ये अग्नि के धर्म हैं। इनके द्वारा ही अग्नि रूप वस्तु का परिचय प्राप्त होता है। यदि कोई कहे कि धर्म या गुण के अतिरिक्त कोई वस्तु ही नहीं है, तो इस विचार में यह दोष है कि एक साधारण आधार के बिना दो तीन धर्म एकत्र नहीं हो सकते। जब ऐसा लक्षित हो रहा है, तब वस्तु को स्वीकार किए बिना विज्ञान या सहज ज्ञान किसी प्रकार से भी संतोष प्राप्त नहीं करता। वस्तु के धर्म की तीन अवस्थाएं हैं। पहली सुप्त अवस्था, दूसरी जागृत अवस्था और तीसरी विकृत अवस्था। दिया सलाई या चकमकी पत्थर पर घर्षण करने से अग्नि उत्पन्न होती है। अग्नि में ज्योति, उत्ताप और दहन, इन तीनों शक्तियों का प्रकाश होता है। साथ ही अग्नि रूप वस्तु की भी उपलब्धि होती है। प्रकाश होने से पूर्व ये धर्म समूह सुप्त अवस्था में रहते हैं, बाद में जागृत होते हैं। जागृत होने पर विषय भेद से स्वस्थ या विकृत रूप में प्रकाशित होते हैं। किसी अनुपयुक्त पदार्थ में आग लगने पर वह उसे दग्ध करती रहती है, आलोक नहीं देती, अथवा कहीं कहीं प्रकाश तो देती है, दग्ध नहीं करती। यहाँ आलोक प्रदान धर्म विकृत हुआ है। प्रत्येक वस्तु में अपना एक मूल धर्म रहता है, उसकी भिन्न भिन्न वृत्तियों द्वारा क्रिया होती है। मूल धर्म किसी एक विशेष वृत्ति का अवलंबन करके विकृत अवस्था में दूसरी सारी वृत्तियों को विकृत रूप में चलाता है। इसी को धर्म विकृति कहते हैं। विषय के अभाव काल में धर्म सुप्त अवस्था में रहता है। अनुकूल या योग्य विषय की प्राप्ति होने पर धर्म की जागृत अवस्था होती है। अयोग्य या प्रतिकूल विषय की प्राप्ति होने पर धर्म की विकृति अवस्था होती है। धर्म को यथार्थ रूप में संपन्न करने के लिए तीन विषयों की योग्यता की आवश्यकता होती है। धर्म जिस वस्तु का आश्रय ग्रहण करके स्थित होता है, उसे आश्रय कहते हैं। धर्म स्वयं वृत्ति रूप है। जिसके प्रति यह वृत्ति नियुक्त होती है, उसे विषय कहते हैं। आश्रय योग्यता, वृत्ति योग्यता और विषय योग्यता, इन तीनों योग्यताओं के एकत्र हुए बिना कोई भी कार्य संपूर्ण रूप से निष्पन्न नहीं होता। जहां इन तीनों योग्यताओं में से किसी भी अंश में जितना ही अभाव या दोष रह जाता है, वहां ये कार्य उतना ही दोषपूर्ण रह जाता है। विषय, आश्रय और वृत्ति का ऐसा संबंध पारस्परिक पवित्रता द्वारा परस्पर उन्नत होता है। वृत्ति की विशुद्ध आलोचना से आश्रय की शुद्धि और उन्नति होती है। आश्रय विशुद्ध होने पर वृत्ति की विशुद्धता स्वाभाविक है। विषय विशुद्ध होने पर वृत्ति की शुद्ध आलोचना से आश्रय की पुष्टि और तुष्टि होती है। अतएव विषय, आश्रय और वृत्ति या धर्म ये अन्यानुपेक्षी अर्थात एक दूसरे के सापेक्ष होते हैं। दो प्रकार की वस्तुएं। दो प्रकार की वस्तुएं हैं चित वस्तु और जड़ वस्तु। जड़ वस्तुएं सर्वत्र देखी जाती हैं। इस जड़ जगत में जीव के अतिरिक्त और कोई चित वस्तु नहीं है। चित जगत में भगवान, जीव और पीठ अर्थात धाम आदि सभी उपकरण ही चिन्मय होते हैं। इस जगत में जीव और जड़ भिन्न भिन्न श्रेणियों की वस्तुएं हैं। जड़बद्ध होने से जीव की एक प्रकार से नई दशा हो गई है। जीव का धर्म।
जीव रूप वस्तु का धर्म क्या है, संपूर्ण जड़ जगत में अन्वेषण करने पर भी जो और कहीं देखा नहीं जाता किंतु केवल जीव में ही लक्षित होता है, वही जीव का धर्म है। सूक्ष्म रूप से विवेचना करने पर यह स्पष्ट ही स्वीकार करना होगा कि आनंद ही जीव का धर्म है। यदि सारे जीव जड़ जगत को छोड़कर अन्यत्र चले जाएं, तो यह जगत निरानंदमय हो जाएगा। जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी, इनमें कहीं भी आनंद नहीं रहेगा। जीव ही जगत में आनंद के धाम है। यह पहले ही निश्चित हो चुका है कि जीव चित वस्तु है। अभी ये भी जाना गया कि जीव आनंद धर्म विशिष्ट है। जीव का चित शरीर जिस प्रकार जड़ संग से लिंग और स्थूल शरीर से आच्छादित हो गया है, उसी प्रकार उसका आनंद रूप धर्म भी लिंग और स्थूलगत होकर दुख के रूप में परिणित हुआ है। जहाँ उस दुख की निवृत्ति कुछ अंशों में देखी जाती है, वहाँ एक क्षणिक तत्व रूप सुख का अनुभव होता है। वस्तुतः सुख और दुख दोनों ही आनंद के विकार विशेष हैं। जीव चिदानंद है। जीव चिदानंद है। शुद्ध धाम में वह स्वरूप और वह धर्म नित्य विशुद्ध रूप में प्रकाशित है। जड़ जगत में वह स्वरूप और वह धर्म विकृत रूप में स्थित है। चित क्या वस्तु है, इसे युक्ति अथवा इंद्रिय द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। चित ही चित को जानने में समर्थ है। चित ज्ञाप्ति लक्षण सामग्री विशेष है। उस सामग्री द्वारा जीव का सिद्ध देह, वैकुंठ धाम, भगवान का निवास स्थान, भगवत विग्रह आदि गठित है। उस चित देह में इच्छा शक्ति युक्त होने से ही उस चित पदार्थ का धर्म रूप आनंद परिचालित होता है। संदनी से चित देह, संवित से इच्छा और अहलादनी से आनंद मिलने पर जीव प्रकाशित होता है। जीव का चित देह चित परमाणु स्वरूप है। जीव की इच्छा संवित कण विशेष है। जीव का आनंद अहलादनी का अत्यंत शूद्र अंश है। यही जीव का स्वरूप है और यही जीव का धर्म है। अहलादनी से उल्लास रूप ज्ञाप्ति लक्षण जीव में प्रकाशित होने पर जीव के रति धर्म का उदय होता है। जीव का स्वधर्म। आनंद, प्रीति, रति आदि पदों द्वारा वाच्य जो जैव धर्म है, वही जीव का स्वधर्म है। मुक्त अवस्था में वह अकुंठ, विमल और अप्रतिहत रहता है। जड़ बद्ध अवस्था में वह धर्म विकृत होता है। अतएव बद्ध जीव का स्वधर्म स्वरूपगत नहीं बल्कि केवल संबंधगत है। नीति शून्य जीवन में और निरीश्वर नैतिक जीवन में वह स्वधर्म विषय राग रूप में विकृत होते हैं। उक्त त्रिविध जीवन में विकृति का कुछ परिमाण में तारतम्य है। वहां विपरीत विषयगत होने के कारण स्वधर्म नितांत विपरीत आकार प्राप्त करता है। उत्तम बुद्धि वाले व्यक्ति उसे स्वधर्म न कहकर वह धर्म ही कहते हैं। नीति शून्य जीवन में आहार, निद्रा, स्त्री संग आदि पाशव कार्य में ही जीव का एकमात्र राग होता है। नैतिक व्यक्ति भी उसे वह धर्म कहते हैं। नैतिकों का इन सभी विषयों के प्रति राग चालित होता है। केवल कुछ परिमाण में नियम की ओर ध्यान दिया जाता है। दूसरे शब्दों में नीति शून्य व्यक्ति का चरित्र गर्हित पशु चरित्र है। नीति युक्त निरीश्वर व्यक्तियों का चरित्र उत्कृष्ट पशु चरित्र है, क्योंकि इन दोनों चरित्रों में ही जीव का स्वधर्म नितांत विकृत रहता है। वास्तविक ईश्वर विश्वास के साथ जो नैतिक जीवन स्वीकार करते हैं, उनका विषय राग ईश्वर चिंता अधीन होने के कारण जीव का स्वधर्म यहाँ विकृति त्यागोन्मुख हो उठता है। वैद भक्त जीवन में ही स्वधर्म बहुत कुछ प्रकाशित होता है। भाव भक्त जीवन में वह पूर्ण होता है। वर्णाश्रम धर्म में और वैद भक्त जीवन में जो सभी अधिकार विभाग हैं, उन अधिकारगत निष्ठाओं के साथ जो परेश भक्ति है, बद्ध जीवों के संबंध में उसी को स्वधर्म कहा गया है। अर्जुन का युद्ध, उद्धव जी का वैराग्य रूप वर्ण अंतर्गत कर्म त्याग, ये सभी स्वधर्म के उदाहरण हैं। संक्षेप में कहा जाए तो प्रीति ही शुद्ध जीव का स्वधर्म है और भक्ति ही बद्ध जीव का मुख्य स्वधर्म है।
कर्मादि सभी कुछ गौण स्वधर्म है, अर्थात भक्ति के अधीन रहने पर अधिकार भेद से स्वधर्म है और भक्ति के विपरीत आचरण करने पर वह धर्म रूप से परित्यज्य है। जड़ बद्ध रहने तक जीव का स्वधर्म शुद्ध नहीं होता। प्रीति संपन्न व्यक्ति भी स्वधर्म को परिशुद्ध रूप से आलोचना करने में सफल नहीं होते। जड़ मुक्त होने मात्र से वही आलोचना विशुद्ध हो जाती है। स्वधर्म अनुशीलन के द्वारा जीव का चित स्वरूप और स्वधर्म रूप प्रीति दोनों ही क्रमशः शुद्धता प्राप्त करते हैं। पांच प्रकार के फल अनुभव। फल अनुभव ही जीव के शुद्ध ज्ञान का चौथा प्रकरण है। फल अनुभव पांच प्रकार के हैं। पहला विकर्म फल अनुभव, दूसरा अकर्म फल अनुभव, तीसरा कर्म फल अनुभव, चौथा ज्ञान फल अनुभव और पांचवा भक्ति फल अनुभव। विकर्म। नीति शून्य जीवन सर्वदा विकर्ममय है। पाप कर्म को विकर्म कहते हैं। अपना इंद्रिय सुख ही उस जीवन का एकमात्र तात्पर्य है। परलोक पर विश्वास इस जीवन में नहीं रहता। ऐसे जीवन के द्वारा पीड़ा, अकाल मृत्यु, अकारण बल वीर आदि क्षय, मन की यंत्रणा, अन्य अन्य शास्त्रों के अनुसार नरक आदि गमन, अपयश और सभी का विश्वास प्राप्त होता है। इन कारणों से नर जीवन विषम यंत्रणा का विषय हो पड़ता है। थोड़ी सी बुद्धि रहने पर ऐसा भयानक फल कोई भी स्वीकार करना नहीं चाहेगा। अकर्म। निरीश्वर नैतिक जीवन और कल्पित सेश्वर नैतिक जीवन सर्वदा ही अकर्ममय है। कर्तव्य कर्म का न करना ही अकर्म कहलाता है। नर जीवन में जितने प्रकार के भी कर्तव्य कर्म हैं, उनमें परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता स्वीकार पूर्वक उनकी उपासना वंदना आदि प्रधान कर्तव्य कर्म है। उसके अभाव में जीवन दूसरे प्रकार से नैतिक होने पर भी अकर्म द्वारा दूषित होता है। नीति द्वारा शरीर आदि की रक्षा हो सकती है, किंतु जब तक मनुष्य ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, तब तक वह कदापि सभी का विश्वास पात्र नहीं बन सकता। जिस हृदय में ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं है, वह हृदय सूर्य शून्य घोर अंधकारमय जगत की तरह भयानक है। समय समय पर उस हृदय में अंधकार का आश्रय कर महापातक रूपी पक्षी घर निर्माण करते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि निरीश्वर व्यक्ति समस्त नीतियों का पालन करके भी नरक में गमन करता है। यही यथार्थ सत्य है। कल्पित सेश्वर नैतिक जीवन धूर्तता द्वारा सर्वदा असरल और पापमय होता है। उसका फल भी सहज में अनुभव किया जा सकता है। वर्णाश्रम धर्म का आचरण करने वाले पुरुष। जो व्यक्ति सरल रूप से ईश्वर पर विश्वास कर नैतिक जीवन का पालन करते हैं, वे ही भारतवर्ष में वर्णाश्रम धर्म का आचरण करने वाले पुरुष के नाम से विख्यात हैं। भारतवर्ष को छोड़कर दूसरे देशों में उक्त लक्षण संपन्न व्यक्ति वर्णाश्रम स्वीकार न करके भी उस धर्म के तात्पर्य अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। व्यवहारिक स्थान पर देखा जाता है कि उच्च श्रेणी के व्यक्तियों का अवलंबन कर विधि की सृष्टि होती है। तत्पश्चात इस विधि के तात्पर्य को ग्रहण कर दूसरों का कार्य चलता रहता है। भारतवासी आर्य श्रेष्ठ हैं। उन्हें लक्ष्य कर वर्णाश्रम विधि का निर्माण हुआ है। उस विधि के तात्पर्य के अनुसार दूसरी सभी जातियों के व्यक्ति संसार निर्वाह करते हैं। जो कुछ भी हो, ईश्वर उपासना अन्य अन्य कर्तव्य कर्मों में परिगणित होकर उनके जीवन की अकर्म और विकर्म से रक्षा करती है। वे जो कार्य करते हैं वही कर्म है। उनके कर्म को ही कर्म कहा जाता है, क्योंकि वे कर्म को सबसे श्रेष्ठ तत्व मानते हैं। ईश्वर इन सभी कर्मों का फल प्रदान करने के लिए प्रस्तुत हैं। यहाँ ईश्वर भी कर्मांग विशेष हैं। उन सभी कर्मों द्वारा ईश्वर को प्रसन्न करने पर वे स्वर्ग आदि फल प्रदान करते हैं। वर्णाश्रम जीवन में ईश्वर कर्म के अधीन रहते हैं, अतएव ईश्वर अनुगत्य भी और सभी कर्मों में से एक कर्म है। उस कर्म द्वारा स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है।
पुण्य कर्म के परिमाण अनुसार स्वर्ग आदि फल भोग कर जीव पुनः कर्म क्षेत्र में आकर कर्म करते हैं। बार बार कर्म और फल इस चक्र में जीव भ्रमण करते हैं। कर्म से मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ऐसे निस्तार की वासना भी इस मतानुसार एक पाप कर्म विशेष है। मतांतर में सभी जीव इस कर्म क्षेत्र में जो सब कर्म करते हैं उनका विचार एक निर्दिष्ट समय पर होगा। मृत्यु के पश्चात उस काल की अपेक्षा करनी होगी। जिन्होंने अच्छा कर्म किया है और अपने अपने आचार्यों के अनुगत हैं, वे चिर स्वर्ग प्राप्त करेंगे। इसके विपरीत जिन्होंने इन सभी आचार्यों को स्वीकार नहीं किया है या अच्छे कर्म नहीं किए हैं बल्कि बुरे कर्म किए हैं, वे चिरकाल नरक में रहेंगे। ईसाई और मुसलमान ये दोनों सेश्वर नैतिक संप्रदाय ऐसा विश्वास करते हैं। जहां ऐसा विश्वास हो वह जीवन उच्चतर नहीं हो सकता। एक शूद्र जीवन में जीव जो कुछ करते हैं उसके द्वारा उन्हें अनंत फल मिलता है, विशेषतः जन्म और संगवशतः बाल्यकाल अर्थात विवेक होने से पहले से ही जिन्होंने पाप शिक्षा पाकर पापाचरण किया वे चिर नरक गमन रूप फल पाते हैं। उन्हें पुण्य शिक्षा लेने का अवसर नहीं मिलता। इसके विपरीत सदवंश जात बाल्यकाल में सत्संग प्राप्त व्यक्ति ने अपने ऐसे कौन से सामर्थ्य का प्रकाश किया जिससे उसने चिर स्वर्ग प्राप्त किया। परमेश्वर का विचार ऐसा होने पर दुर्बल जीवों की गति कहाँ होगी। इन सभी मतस्थ व्यक्तियों का ईश्वर संबंधी अनुभव अतिशय संकुचित है, अतएव उनके मतानुसार कर्म फल भी नितांत अनुपयुक्त और तुच्छ है। संक्षेप में कहा जाए तो सेश्वर नैतिक जीवन कर्ममय है। अकर्म और विकर्म तो नहीं है, किंतु इस जीवन में कर्म के तीन विभाग हैं। पहला नित्य कर्म संध्या वंदन आदि, दूसरा नैमित्त कर्म श्राद्ध आदि, और तीसरा काम्य कर्म पुत्रेष्टि यज्ञ आदि। सेश्वर नैतिक जीवन के दो गौण विभाग हैं, अर्थात नीच प्रकृति जनित सेश्वर नैतिक जीवन और उच्च प्रकृति जनित सेश्वर नैतिक जीवन। नीच प्रकृति का सेश्वर नैतिक व्यक्ति नित्य नैमित्तिक कर्म की अपेक्षा काम्य कर्म को अधिक महत्व देता है। उच्च प्रकृति सेश्वर नैतिक व्यक्ति काम्य कर्म मात्र को ही स्वीकार नहीं करते, नित्य नैमित्तिक कर्म को निष्काम रूप से कोई ब्रह्म अर्पण के साथ कोई भगवत अर्पण पूर्वक स्वीकार करते हैं। इनमें से जो निष्काम कर्मी हैं वे भी कर्म पर हैं। जो ब्रह्मार्पण परायण हैं उनका कर्म ज्ञान सीमा को प्राप्त किया हुआ है। जो भगवद अर्पण परायण हैं उनका कर्म भक्ति सीमा को प्राप्त किया है। जो कर्म भक्ति सीमा को प्राप्त करता है उस कर्म का फल ही भक्ति है, अतः उसे गौणी भक्ति कहा जा सकता है। वैद भक्त उस अवस्था के कर्म को जीवन यात्रा के लिए उपयोगी समझकर स्वीकार करते हैं। दूसरे सब प्रकार के कर्म ही अमंगलजनक हो सकते हैं, अर्थात उनके कर्म फल का विश्वास नहीं है। जीवन धारण के लिए कर्म अवश्य ही स्वीकार करना पड़ता है, अतएव बद्ध जीव सावधानी के साथ कर्म फल स्वीकार करेंगे। कर्म प्रवृत्ति के दो भेद। ज्ञान फल अनुभव के विचार की दृष्टि से कुछ वक्तव्य है। शुद्ध ज्ञान का फल प्रेम है, अतएव उस फल का विचार यहाँ नहीं होगा। इंद्रियार्थ ज्ञान, नैतिक ज्ञान, ईश्वर ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान, इन चार प्रकार के ज्ञान जनित फलों का ही यहाँ विचार होगा। उनमें से इंद्रियार्थ ज्ञान और नैतिक ज्ञान के संबंध में विस्तृत विचार हो चुका है। यहाँ ईश्वर ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के फल की ही कुछ विवेचना की जा रही है। पूर्व में कहा जा चुका है कि ईश्वर ज्ञान से कर्म की कर्तव्यता निरूपित होती है। कर्म की दो प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। फल भोग कराकर पुनः कर्म में प्रवृत्त कराना एक प्रवृत्ति है। ईश्वर को प्रसन्न कर शांति प्राप्त करना दूसरी प्रवृत्ति है। प्रथम प्रवृत्ति पर पूर्व में ही विचार प्रस्तुत किया जा चुका है। द्वितीय प्रवृत्ति से ईश्वर ज्ञान जनित कर्म क्रमशः जीव को उन्नति प्रदान करने की प्रतिज्ञा करता है, किंतु
वह ऐसा करने में असमर्थ रहता है। अष्टांग योग शास्त्र में ईश्वर प्रणिधान द्वारा चित्त वशीभूत होने पर वह कर्म ही अंत में कैवल्य प्रदान करेगा, ऐसा विश्वास दिया गया है। कैवल्य। उक्त कैवल्य का आकार देखने से ही वह मिथ्या मालूम होता है। पहले पातांजल शास्त्र में कहा गया है कि क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से स्पर्श रहित पुरुष विशेष ही ईश्वर है। वह ईश्वर केवल स्वरूप है। जीव भी योग क्रम से उस कैवल्य को प्राप्त करता है। अच्छा, कैवल्य प्राप्त कर अनेक जीवों का परस्पर क्या संबंध होता है और जिस ईश्वर की बात सुनी थी वे जीवों के प्रति क्या करते हैं? अष्टांग योग शास्त्र में इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, तो हमें क्या समझना चाहिए? क्या हम यह स्थिर करें कि ईश्वर एक कल्पित पुरुष विशेष है? साधन काल में ही उनका प्रयोजन है, पश्चात उनके साथ और साक्षात्कार नहीं होगा। यदि ऐसा हो तो जो भी जीव कैवल्य प्राप्त करते हैं वे अनेक हों तो कैवल्य कैसे हुआ? यदि ऐसा सिद्धांत हो कि ईश्वर एक अवस्था विशेष है जिस अवस्था में जीव समूह लय प्राप्त होते हैं, यदि ऐसा हो तो वह ईश्वर सायुज्यवाद हुआ। यदि कहें कि इसमें दोष ही क्या है, तो यह अद्वैतवाद का एक पृथक नाम मात्र है। एक मत को दो नामों से प्रचार करने की आवश्यकता ही क्या है? योग का फल विभूति जिस प्रकार अनित्य समझी जाती है, उसी प्रकार चरम फल रूप कैवल्य को भी भक्ति विरुद्धवाद जानकर उपेक्षा करना ही कर्तव्य है। योग की प्रतिज्ञा सुनने में अच्छी होने पर भी उसका फल अत्यंत तुच्छ है। अनेक शास्त्रों में सालोक्य, सारिष्टि और सामिप्य को ईश्वर ज्ञान का फल कहा गया है। ऐसी मुक्ति वास्तविक फल नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा अंत में भगवत सेवा ही प्राप्त होती है। उन सभी मुक्तियों को किसी किसी शास्त्रों में सेवा का द्वार कहा गया है। ईश्वर ज्ञान यदि कृष्ण भक्ति की पुष्टि करे तो उसका ईश्वर ज्ञान स्वरूप शीघ्र शुद्ध ज्ञान रूप में बदल जाता है। इससे ईश्वर ज्ञान चरितार्थ होता है। ब्रह्म ज्ञान और निर्वाण। पहले ही कहा गया है कि ईश्वर ज्ञान कुपतगामी होकर ब्रह्म ज्ञान के रूप में परिणित होता है। ब्रह्म ज्ञान का फल रूप सायुज्य या निर्वाण मुक्ति नितांत हे है। निर्विशेष तत्व के रूप में एक ब्रह्म स्थापन किया गया है। निर्विशेष तत्व से यही समझना चाहिए कि जितने प्रकार के अस्तित्व हो सकते हैं उनका विपरीत तत्व ही निर्विशेष ब्रह्म है। अस्तित्व के विपरीत तत्व का सहज नाम नास्तित्व है। निर्वाण शब्द से नास्तित्व को समझना चाहिए। ब्रह्म सायुज्य कहने से निर्वाण या नास्तित्व को समझना चाहिए। जीव के ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करने का अर्थ यही हुआ कि जीव का सर्वनाश हो गया। क्या उसे लाभ कहा जाएगा? क्या इसी फल के लिए यत्न करना उचित है? अत्यंत भगवत अपराध के कारण कंस, शिशुपाल आदि ने जो फल पाया, क्या वह शिष्ट लोगों के लिए योग्य है? अतएव ज्ञान फल अत्यंत तुच्छ है। जो व्यक्ति युक्ति को ही ज्ञान कहते हैं वे भी जान लें कि ज्ञान फल नितांत अकर्मण्य है। पहले ही यह कहा जा चुका है कि युक्ति जड़ जगत के बाहर जाने में समर्थ नहीं है। यदि कभी जाने की चेष्टा भी करे तो केवल अपनी लक्षणावृत्ति का अवलंबन करके करती है। इसके द्वारा प्रकृति से अतीत तत्व के विचार में कोई फल प्राप्त नहीं होता। कभी कभी युक्ति निराश होकर नास्तिकता को जन्म देती है। संदेहवाद, नास्तिकवाद, जड़वाद, निर्वाणवाद आदि सभी वाद ही युक्ति के अनाधिकार चर्चा द्वारा उत्पन्न होते हैं। अतएव ज्ञान फल संपूर्ण रूप से जीव के लिए अमंगलजनक है। भक्ति। भक्ति फलानुभव ही अंतिम फल अनुभव है। भक्ति ही जीव का स्वधर्म है। स्वधर्म का फल ही स्वधर्म उन्नति, आश्रय उन्नति और विषयों में विशुद्ध रूप से अवस्थिति है। स्वर्ग, मुक्ति, जड़ शरीर, मन, बद्ध आत्मा की विकृति और समाज की उन्नति, इन सभी के संबंध में भक्ति का कोई मुख्य फल नहीं है। भक्ति अहेतुकी
और जीव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। भक्ति स्वयं उन्नत होकर प्रेम रूपी हो सकती है, यही भक्ति की चेष्टा है। जड़बद्ध जीव को शीघ्र उस अवस्था से स्वस्वरूप में लाकर अपना कार्य पवित्र रूप से संपादन करना, यही उसकी चेष्टा है। संक्षेप में कहा जाए तो भक्ति का फल केवल भक्ति ही है। जहाँ भुक्ति और मुक्ति की स्पृहा हो, वहाँ भक्ति गुप्त हो जाती है। कर्म और ज्ञान भक्ति का आश्रय कर अपने अपने प्रतिज्ञागत फल प्रदान करते हैं, किंतु भक्ति स्वतंत्र है। स्वयं सभी फलदान करने में समर्थ होने पर भी स्वधर्म उन्नति को छोड़कर और कोई दूसरा फल नहीं देती। विरोधानुभव। विरोधानुभव शुद्ध ज्ञान का पांचवा और अंतिम प्रकरण है। विरोधानुभव चार प्रकार के हैं। पहला परेश स्वरूप विरोधानुभव, दूसरा स्वस्वरूप विरोधानुभव, तीसरा स्वधर्म स्वरूप विरोधानुभव और चौथा फल स्वरूप विरोधानुभव। परेश स्वरूप विरोधी कार्य। परमेश्वर के रूप गुण और लीला समूह एकत्रित होकर उनके स्वरूप का उदय कराते हैं। परमेश्वर को निराकार या अरूप मानने से उनके श्रुति कथित नित्य सच्चिदानंद रूप का विरोधी मतवाद हो पड़ता है। परमेश्वर का जड़ीय रूप नहीं है। इस कथन का तात्पर्य यह नहीं है कि परमेश्वर निराकार है तथा वे निर्गुण हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उनमें गुण ही नहीं है। परमेश्वर अचिंत्य सर्वशक्तिमान है। उनके अप्राकृत गुण समूह अचिंत्य हैं। उनको रूप रहित केवल सर्वव्यापी मानने से वे अतिशय शूद्र हो पड़ते हैं, क्योंकि वैसी दशा में परमेश्वर में रूप धारण करने की सामर्थ्य भी नहीं होती, अतः वे सर्वशक्तिमान भी नहीं हो सकते। इसलिए परमेश्वर मध्यम आकार होकर भी सर्वत्र ही युगपत पूर्ण रूप से वर्तमान हैं। उनका यह गुण अलौकिक और अचिंत्य है। उनको निर्विशेष मानने से उनमें केवल एक ही गुण है, निर्विशेषता की स्थिति मानकर उनको शूद्र बना देना होता है। उनको युगपत एक ही साथ सविशेष और निर्विशेष मानने से उनके अलौकिक अचिंत्य गुण का परिचय मिलता है। कुछ लोग यह कहते हैं कि जीवों में मात्र गर्भ में सृष्टि कर उनके द्वारा अपने बनाए हुए सुखधाम जगत को और भी उन्नत कर लेंगे तथा जीव उनका जितना ही अधिक प्रिय कार्य करेगा उसको वे उतना ही अधिक सुख प्रदान करेंगे। ऐसा सोचकर ही परमेश्वर ने जगत और जीव की सृष्टि की है, परंतु उनका ऐसा कथन परमेश्वर की अचिंत लीला का विरोधी है। जो सिद्ध संकल्प और सर्वशक्तिमान पुरुष हैं, उनकी यदि यह इच्छा होती कि जगत और भी अधिक उन्नत होए तथा इनमें किसी भी प्रकार का अभाव न रहे, तो उनकी इच्छा के साथ ही साथ यह जगत उसी प्रकार हो जाता। परंतु इसके विपरीत कुछ तो उनकी इच्छा से ऐसा हुआ और बाकी ये जीवों के द्वारा पूरा करा लेंगे। ऐसा विचार जो लोग मानते हैं वे ईश्वर को भी असिद्ध सुनार, लोहार या बढ़ई की भांति शूद्र मानते हैं। इस प्रकार के अशुद्ध और तुच्छ सिद्धांतों को मान्यता देने वाले अनेकों प्रकार के अनार्य कल्पित मत जगत में प्रचलित हैं। भगवान स्वरूपतः एक तत्व होकर भी दृष्ट स्वरूप जीवों के अधिकार के अनुसार उदित होते हैं। ऐसा देखकर भगवान के एक तत्व को अस्वीकार करना भी परेश स्वरूप विरोधी कार्य है। भगवान प्रकृति से सर्वता परे और निर्मल रहकर भी भक्ति योग द्वारा श्रीमूर्ति में प्रतिभात होते हैं। यह उनकी अचिंत शक्ति के प्रभाव से होता है। इस प्रतिभावित श्रीमूर्ति की सेवा करना ही भक्त जीवन के लिए उचित कार्य है। श्रीमूर्ति की सेवा त्याग करके ब्रह्म निराकार है, उनका स्वरूप विग्रह नहीं है। इस प्रकार सिद्धांत अपनाकर जो लोग निराकार तत्व को प्राप्त करने के लिए एक मिथ्या आकृति की सृष्टि करके उनकी उपासना करते हैं, वे पौत्तलिक होते हैं। उनकी ऐसी उपासना का फल भी इसी प्रकार तुच्छ ही होता है। उनमें से कोई कोई अपने को पंडित अभिमान करके वैसी पौत्तलिकता का परित्याग करके प्रणव को धनुष, आत्मा को बाण और ब्रह्म को लक्ष्य मानकर आध्यात्म योग का साधन करते हैं। इनका कहना यह है कि पौत्तलिक लोग
आंखें खोलने पर मिट्टी या लकड़ी द्वारा निर्मित प्रतिमूर्ति देखते हैं और आंखें बंद करने पर उस प्रतिमूर्ति की प्रतिमूर्ति अपने हृदय में भावना कर उसके प्रति अपने संपूर्ण प्रेम को अर्पित करने की चेष्टा करते हैं। परंतु इससे वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। वास्तव में ये लोग एक प्रकार से ठीक ही कहते हैं, परंतु ऐसा जानकर भी ये लोग भी पूर्वोक्त प्रकार के कार्यों में प्रवृत्त हो पड़ते हैं। जिन्होंने परमेश्वर की मूर्ति नहीं देखी है, वे जिस मूर्ति का निर्माण करते हैं वे अवश्य ही पौत्तलिक है। जैसे सनातन ऋषि को मैंने नहीं देखा, मैंने कल्पना से सनातन ऋषि की एक मूर्ति बनाई, परंतु वह ठीक नहीं हुई। फिर उसी में प्रेम स्थापन करने से सनातन ऋषि उसे प्राप्त करते हैं या नहीं, इस विषय में संदेह है। किंतु जिन्होंने सनातन को देखकर उनका फोटोग्राफ या चित्र विशेष लिया है, वे ही उस फोटो का दर्शन करके नेत्र बंद करने पर वास्तविक सनातन का हृदय में दर्शन कर सकेंगे। फोटोग्राफ तो केवल मात्र सत्य भाव का उद्दीपक होता है, यहाँ पर पौत्तलिकता नहीं होती, बल्कि वैज्ञानिकों ने इसे स्मरण के लिए एक यथार्थ उपाय माना है। प्रणव, धनुष आदि जिस आध्यात्म योग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, वह साधकों के लिए एक प्राथमिक क्रिया है। उसके द्वारा साधक का हृदय चरितार्थ नहीं होता। भगवान का साक्षात्कार न होने तक इसी प्रकार की बहुत सी प्राथमिक क्रियाएं हैं और तत् अधिकारियों के लिए वे करणीय भी हैं। जिन्होंने भगवत स्वरूप के दर्शन किए हैं, वे हृदय में उस स्वरूप का सब समय ध्यान करते हैं तथा प्राकृत जगत में तद अनुशीलन को व्याप्त करने के लिए तद अनुरूप श्रीमूर्ति प्रकाश करते हैं। वही श्रीमूर्ति दर्शकों के लिए उद्दीपक तत्व है तथा वही साधकों को परमार्थ प्रदान करती है। जैसे स्वरूप दर्शनकारी के लिए मिथ्या कल्पित मूर्ति अमंगलजनक होती है, उसी प्रकार स्वरूप अभाव रूप ब्रह्म योग आदि भी अनर्थकर हैं। ये सभी शूद्र प्रक्रियाएं वस्तु प्राप्त होने के पूर्व प्रायः ही संपन्न होती हैं। ये सभी भगवत स्वरूप विरोधी मत सब प्रकार से परित्याग करने योग्य हैं। श्री विग्रह सेवा और पौत्तलिकता में पार्थक्य। तत्वांध व्यक्ति परमेश्वर का स्वरूप ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ होकर भक्ति की श्री विग्रह सेवा को पौत्तलिकता कहकर निंदा किया करता है। मुसलमानों का असंपूर्ण धर्म, ईसाइयों का शूद्र मत और उन दोनों के अनुगत ब्राह्म धर्म द्वारा भारतवासियों की पवित्र धर्म बुद्धि के दूषित होने के कारण नवीन संप्रदायों में श्री विग्रह के प्रति अश्रद्धा हो गई है। दुख की बात यही है कि श्री विग्रह निंदा करने के पूर्व किसी भी व्यक्ति ने इस विषय पर सम्यक रूप से विचार नहीं किया। श्रीमन महाप्रभु की शिक्षाओं से यही जाना जाता है कि जिस धर्म में श्री विग्रह सेवा नहीं है, वह धर्म नितांत आकर्मण्य है। भक्ति मार्ग में श्री विग्रह सेवा की अपेक्षा उच्चतर धर्म अनुशीलन के लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। अतएव निंदकों के मत का थोड़ा बहुत विचार करना आवश्यक है। श्री विग्रह सेवा और पौत्तलिकता में आकाश और पाताल का प्रचुर भेद है। परमेश्वर के नित्य स्वरूप का अवलंबन कर श्री विग्रह परिसेवित होते हैं। जीव के चित्त देहगत चक्षु द्वारा परमेश्वर का स्वरूप जाना जाता है। व्यास नारदादि महापुरुष और साधारणतः सभी निरुपाधिक भक्त परम आनंद युक्त समाधि में उस सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के नित्य स्वरूप का दर्शन करते हैं तथा अपनी मनोवृत्ति में दिन रात उसी रूप का ध्यान करते हैं। प्राकृत जगत में उस नित्य रूप की प्रतिछाया स्वरूप श्री विग्रह दर्शन करते हुए नेत्रों के आनंद को बढ़ाते हैं। यह विग्रह कदापि कल्पित या जीव निर्मित वस्तु नहीं होते। जो व्यक्ति भक्ति रहित है, उनके लिए उसमें भगवत स्वरूपता नहीं है, किंतु भक्तों के निकट यह नित्य चिन्मय मूर्ति का अर्चावतार है। श्री विग्रह भगवत स्वरूप के साक्षात निर्देशन के अलावा स्वरूपितर वस्तु नहीं हो सकते। सब कुछ ही शिल्प और विज्ञान में जिस प्रकार अलक्षित तत्व की स्थूल प्रतिमूर्ति है, उसी प्रकार श्री विग्रह जड़ चक्षु के अगोचर भगवत स्वरूप का प्रतिभू स्वरूप है। भक्तों का भगवत स्वरूप प्रतिभू यथायत है। इसे भक्त लोग विशुद्ध भक्त वृद्धि रूप फल द्वारा सदैव परीक्षा करते रहते हैं। विद्युत यंत्र का जो यथार्थ संबंध है,
वह केवल विद्युत फल को उत्पत्ति रूप फल द्वारा ही जाना जाता है। इस विषय में जो अनभिज्ञ हैं, वे विद्युत यंत्र को देखकर क्या समझेंगे? जिनके हृदय में भक्ति नहीं है, वे विग्रह को पुतलिका कहने के सिवाय और क्या कह सकते हैं? भक्तों का सिद्धांत यही है कि श्री विग्रह सेवाकारी व्यक्ति पौतलिक नहीं है। तब पौतलिक कौन है, इसका संक्षेप में विचार किया जाए। भगवत स्वरूप के साथ संबंधहीन वस्तु की उपासना जो करते हैं, वे ही पौतलिक हैं। पौतलिक लोग पांच प्रकार के होते हैं। पहला, जो लोग वस्तु ज्ञान के अभाव में जड़ पदार्थों को ईश्वर मानकर पूछते हैं। दूसरा, जो लोग जड़ को हे मानकर जड़ के विपरीत भाव को ईश्वर मानकर पूछते हैं। तीसरा, जो लोग ईश्वर का स्वरूप अर्थात शिव विग्रह नहीं मानते, परंतु स्वरूप रहित निराकार का चिंतन या ध्यान संभव नहीं है, ऐसा सोचकर निराकार की उपासना को सुलभ और सहज करने के लिए ईश्वर के जड़ीय रूप की कल्पना करते हैं। चौथा, जो लोग अंतःकरण की शुद्धि और उन्नति के लिए ईश्वर की कल्पना करके उस कल्पित मूर्ति का ही ध्यान करते हैं। पांचवा, जो लोग जीव को ही ईश्वर मानकर पूछते हैं। ईश्वर ज्ञान से जड़ की पूजा पौत्तलिकता। असभ्य जंगली जातियां, अग्नि पूजक और ग्रीक देशीय जोप से ठाण नामक लोग प्रथम श्रेणी के पौत्तलिक हैं। जिन लोगों में स्वाभाविक रूप से ईश्वर विश्वास तो रहता है, परंतु ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान उनमें उदित नहीं हुआ होता, वे लोग अज्ञानता के कारण चमक दमक वाली वस्तुओं को ही ईश्वर मानकर पूछते हैं। अधिकार के अनुसार ऐसी पौत्तलिकता निंदनीय नहीं है। निर्विशेषवादी भी पौत्तलिक ही हैं। जड़ीय ज्ञान की अत्याधिक आलोचना द्वारा इस संसार में नाम रूप गुण वाली सभी वस्तुएं ही नाशवान हैं, ऐसा जानकर युक्ति द्वारा इन सारे जड़ीय गुणों के विपरीत नाम रूप गुण और क्रिया रहित एक निर्विशेष भाव को ही जो लोग ईश्वर मानते हैं, वे लोग पौत्तलिक हैं। ईश्वर को निराकार मानने वाले सभी लोग इसी श्रेणी के पौत्तलिक हैं। वास्तव में निर्विशेष भाव कदापि ईश्वर का स्वरूप या स्वरूप संबंधी भाव नहीं हो सकता। ईश्वर के अनंत विशेषों में से निर्विशेषता भी एक विशेषता ही है। ऐसी निर्विशेषता ईश्वर का स्वरूप संबंधी भाव हो सकता है। ईश्वर का स्वरूप जड़ से विलक्षण तो है, परंतु जड़ विपरीत नहीं है। पंचोपासना भी पौत्तलिकता ही है। जो लोग अंत में निर्वाण प्राप्ति को ध्यान में रखकर निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति को लक्ष्य कर विष्णु शिव प्रकृति गणेश और सूर्य इन पांचों सगुण मूर्तियों को साधन का उपाय मानकर चित्त शुद्धि के लिए इनकी पूजा करते हैं, किंतु इन्हें ईश्वर का नित्य स्वरूप नहीं मानते, ये लोग भी पौत्तलिक श्रेणी के अंतर्गत परिगणित होते हैं। इनके विचार से ईश्वर का कोई भी रूप नहीं है, वे निराकार हैं। परंतु साधारण साधकों के लिए निराकार वस्तु की उपासना संभव नहीं है, क्योंकि इनकी अभी तक चित्त शुद्धि नहीं हुई। साधकों के लिए सर्वप्रथम चित्त शुद्धि की आवश्यकता है, इसलिए इन साधकों के कल्याण के लिए निराकार ईश्वर की उपयुक्त पांच मूर्तियां कल्पित हुई हैं। चित्त शुद्धि हो जाने पर इन मूर्तियों की आवश्यकता नहीं होती, ये लोग पंचोपासक कहलाते हैं। ऐसे पंचोपासक लोग भी इसी श्रेणी के पौत्तलिक हैं। किसी गुण को पहले अवलंबन कर उसके विपरीत जो गुण शून्यता है, वह कैसे पाई जा सकती है? यह सिद्धांत विचार समझ से बाहर की बात है। कल्पित मूर्ति ध्यान भी पौत्तलिकता। योगी लोग भी विष्णु को निराकार मानते हैं एवं कल्पित विष्णु मूर्ति का ध्यान करते हैं। इसके द्वारा अन्य प्रकार से तो कुछ लाभ हो सकता है, परंतु इसके द्वारा भगवान के नित्य स्वरूप का साक्षात्कार कदापि संभव नहीं है। जीवों को ईश्वर मानना भी पौत्तलिकता। जो लोग जीव को ईश्वर मानकर पूजा करते हैं, वे लोग पांचवी श्रेणी के पौत्तलिक हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार इससे बढ़कर और कोई भयंकर अपराध नहीं है। जो जीव पूजनीय हैं, उनको भगवत भक्त मानकर पूजा करने से यह अपराध नहीं लगता। जीव कदापि भगवान नहीं है और ना ही कभी भगवान हो सकता है।
श्री राम, श्री नरसिंह देव आदि का भजन पूजन पौत्तलिक कार्य विशेष नहीं है। इसे मेरे द्वारा रचित श्री कृष्ण संहिता नामक ग्रंथों को पाठ करके समझा जा सकता है। उक्त पांचों प्रकार के पौत्तलिक केवल मात्र भगवत स्वरूप की ही निंदा करते हैं, अधिकंतु वे परस्पर एक दूसरे की भी निंदा करते हैं। प्रथम श्रेणी के पौत्तलिक जड़ी आकाश के सर्वव्यापकत्व गुण को ही ईश्वर का प्रधान गुण मानते हैं तथा भगवान स्वरूपों की अवहेलना करते हैं। साथ ही वे कल्पित और परिमित समस्त देव मूर्तियों की भी निंदा किया करते हैं। इसका मूल तात्पर्य यह है कि ऐसे कल्पितवादियों में परस्पर कलह होना अनिवार्य है। पौत्तलिक मात्र ही पौत्तलिकों की निंदा करते हैं। इसके विपरीत अपौत्तलिक स्वरूप की उपलब्धि प्राप्त हुआ कोई भी भगवत भक्त किसी भी पौत्तलिक की न तो निंदा ही करता है और न उसके प्रति किसी प्रकार का विद्वेष ही करता है। वह ऐसा मानता है कि जब तक स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक कल्पना के अतिरिक्त कोई क्या कर सकता है। कल्पना करते करते सत्संग के प्रभाव से साधक जीव कल्पना को छोड़कर स्वरूप ज्ञान की ओर क्रमशः बढ़ता हुआ अंत में उसकी उपलब्धि कर लेता है, तब उसका किसी के साथ विवाद नहीं रह जाता। जीव स्वरूप के विरोधी मत समूह। जीव के स्वस्वरूप के संबंध में जितने प्रकार के विरोध हैं उन सब का परित्याग करना चाहिए। जीव स्वरूपतः एवं वस्तुतः चित पदार्थ है, परंतु प्रकृति निर्मित जड़ शरीरों में बद्ध होने पर औपाधिक धर्मों में लिप्त होकर अपने को शुद्ध जीव के बदले कुछ दूसरा ही मानने लगता है। मात्र गर्भ में जीव की उत्पत्ति होती है, क्रमशः इस मनुष्य जीवन में धर्म की आलोचना करने से परमेश्वर उसके प्रति प्रसन्न होकर एक सर्वथा निर्दोष स्वरूप प्रदान करेंगे। ऐसा विचार जीवों के लिए सस्वरूप विरोधी है। ईसाई, मुसलमान एवं ब्राह्मण समाज आदि छोटे छोटे धर्म संप्रदायों के ऐसे ही विचार हैं। ब्रह्म ही अविद्याग्रस्त होने पर जीव बन गया है, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के अनुशीलन करते करते जब अविद्या दूर हो जाएगी तब जीव का जीवत्व नष्ट हो जाएगा तथा वे स्वयं ही ब्रह्म हो जाएगा। यह पैंथीस्ट या थियोसोफिस्ट और हमारे देश के अभेद ब्रह्मवादियों का मत है। वास्तव में स्पष्ट रूप में ही ये जीव स्वरूप के विरोधी विचार हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जड़ीय परमाणुओं के मिलने पर अपने आप जीव उत्पन्न होता है तथा मृत्यु के उपरांत उसका नाश हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि शरीर के नष्ट होने पर भी उसके द्वारा की हुई क्रियाओं में उसकी शक्ति वर्तमान रहती है और वही शक्ति दूसरे दूसरे जीवों की उन्नति में सहायक होती है। चार्वाक, कॉम्टी, मिल और सोशलिस्ट आदि नास्तिकों के विचार इसी श्रेणी के जीव स्वरूप विरोधी विचार हैं। जीव अनेक जन्मों से कर्म करता हुआ क्लेशों को भोग रहा है। प्रेम, मैत्री और वैराग्य का अवलंबन कर क्रमशः स्वभाव के शुद्ध होने पर पहले शुद्धत्व और अंत में निर्वाण की प्राप्ति होती है। यह बौद्ध और जैनियों का मत है। संयोगवश जीव इस संसार में उत्पन्न होकर महाक्लेश में पतित हो गया है। संसार का कोई भी सुख स्वीकार न करके किसी प्रकार से जीवन धारण कर मृत्यु होने पर ही शांति प्राप्त होगी, ऐसा स्कूपनहोवर आदि निराशावादी अर्थात पेसिमिस्ट लोगों का मत है। प्रकृति और पुरुष के संयोग द्वारा जीव तत्व उत्पन्न होता है, अतएव जीव तत्व का नाश करना ही परम पुरुषार्थ है। कर्म के लिए हो या विवेक के लिए हो, प्रकृति और पुरुष का भोग्य भोक्तृत्व भाव अनादि है। उसका नाश करने पर त्रिविध दुखों का अत्यंत निवृत्ति रूप पुरुषार्थ प्राप्त होता है। यह सांख्य मत है। इसमें जीव का अत्यंत स्वरूप विरोधी भाव है। जीव कृत कर्म द्वारा उत्पन्न अपूर्व ही जीव का कर्म फल प्रदाता है। जीव का मोक्ष या ईश्वर की ईश्वरता इस मत अनुसार नहीं है। यह जैमिनीकृत पूर्व मीमांसा दर्शन का मत है। जीव का नैषकर्म्य और अपरिज्ञात अवस्था रूप कैवल्य पहले क्रिया योग द्वारा विस्तार प्राप्त करता है और उदय काल में वैराग्य योग द्वारा प्राप्त होता है। यह पतांजल मत है। यह मत जीव का स्वरूप विरोधी मत है, ऐसा पहले ही कहा जा चुका है।
गौतम द्वारा रचित न्याय शास्त्र और कणाद द्वारा रचित वैशेषिक शास्त्र, इन दोनों में परमाणु आदि की तरह जीव और ईश्वर की नित्यता स्वीकार की गई है, किंतु उसमें जीव का चित्तत्व स्वीकार नहीं किया गया है। जीव को अणु कहा गया है और मन को भी अणु ही कहा गया है। उसमें जीव को लिंग स्वरूप बतलाया है। किसी किसी न्यायिक ने मुक्ति को स्वीकार किया है। वह मुक्ति भी ब्रह्म सायुज मुक्ति की तरह जीव का सर्वनाश विशेष है। श्री शंकराचार्य जी ने वेदांत का जो भाष्य लिखा है उसमें भी जीव को अनित्य बतलाया है। मूल वेदांत शास्त्र ही यथार्थ मंगलकारी शास्त्र है। इस शास्त्र में जो सभी भक्ति पोषक भाष्य हैं, उनमें जीव का शुद्ध स्वरूप विचारित हुआ है। पूर्वोक्त मत समूह ही जीव के स्वरूप विरोधी मत हैं। वे सभी मत परित्यज्य हैं। भक्ति ही जीव का स्वधर्म है। स्वधर्म स्वरूप विरोधानुभव प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। भगवत अनुगत्य, भगवत निष्ठा, भगवत रुचि, भगवत आसक्ति, भगवत रति, भगवत अनुराग, भगवत प्रीति, भगवत भाव आदि शब्दों के द्वारा जिस भगवत भक्ति को लक्ष्य किया गया है, वही भक्ति जीव का स्वधर्म है। विकर्म बुद्धि, कर्म बुद्धि, अयुक्त वैराग्य बुद्धि और अशुद्ध ज्ञान, ये सभी जीव के स्वरूप विरोधी भाव हैं। पहले इन सभी विषयों की आलोचना की गई है, अतएव उसके अनुसार स्वधर्म विरोधानुभव प्राप्त करना ही श्रेयस्कर है। फलस्वरूप विरोध अनुभव भी प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। भक्ति का क्या फल है, ये पहले ही कहा जा चुका है। भुक्ति अर्थात स्वर्गादि भोग, मुक्ति अर्थात सालोक्य, सारिष्टि, सामिप्य, सारूप्य और सायुज्य, ये पांच प्रकार की जड़ मुक्तियाँ किसी किसी के मत अनुसार भक्ति के फल में परिगणित हुई हैं। भुक्ति जिस भक्ति का फल है, भक्ति शास्त्रों में उसे भक्ति नहीं कहा गया। पूर्व कथित भक्ति के लक्षण अनुसार भक्ति में भोगेच्छा कदापि नहीं रहती। भुक्ति कर्म का फल है, भक्ति का नहीं। भक्ति को छोड़कर और दूसरे प्रकार के साधनों में कोई फल नहीं होता। अतएव कर्म यदि अपने अभीष्ट फल प्राप्त करने के लिए भक्ति का वरण करे तो भक्ति उस फल को देकर स्थानांतरित हो जाती है। भुक्ति को कर्म फल कहना ही वैज्ञानिक मीमांसा है। अविद्या ही जीव का बंधन है। शुद्ध ज्ञान के उदय होने पर अविद्या दूर होती है और जीव स्वस्वरूप को प्राप्त करता है। अतएव मुक्ति ज्ञान का ही फल है, भक्ति का नहीं। सालोक्य, सारिष्टि, सामिप्य और सारूप्य, ये सेवो उपयोगी अवस्था विशेष है। भक्ति ही भक्ति का फल। एकांत भगवत भक्त लोग भगवान की सेवा को छोड़कर और कुछ भी नहीं करते। सेवा प्राप्त करने के लिए गौण अवस्था रूप से सभी मुक्तियां शुद्ध ज्ञान द्वारा मिलती हैं। अतएव वे कदापि भक्ति फल नहीं है। मुक्ति जीव का जड़ मोचन रूप अवस्था विशेष है। भक्ति उसके पहले और पीछे दोनों ही समय रहती है। मुक्ति के पश्चात भी जो भक्ति रहती है उसका क्या फल है? उसका जो फल है वही भक्ति का फल है। मुक्ति को भक्ति के फल के रूप में वैज्ञानिक लोग अर्थात भक्त लोग स्वीकार नहीं करते। भक्ति ही भक्ति का फल है। यदि हृदय में भुक्ति मुक्ति वांछा हो तो यहाँ पर शुद्ध भक्ति का उदय नहीं होता। अतएव भुक्ति और मुक्ति दोनों ही भक्ति के स्वरूप विरोधी हैं। ब्रह्म ज्ञान ईश्वर ज्ञान की उपशाखा। पांच प्रकार के ज्ञान की विवेचना की गई है। उनमें इंद्रियार्थ ज्ञान, नैतिक ज्ञान, ईश्वर ज्ञान, ये तीनों ही गौण हैं। अर्थात शरीर, मन, बुद्धि, बद्धात्मा और समाज संबंधी हैं। अतएव ये जीवों के लिए असंपूर्ण और अकिंचित कर हैं। ब्रह्म ज्ञान ईश्वर ज्ञान की एक उपशाखा मात्र है। वह साधन के लिए कहीं कहीं थोड़ी सी सहायता करता है, किंतु प्रायः अनुपकारी ही है। ये सभी ज्ञान होने पर भी हे हैं। शुद्ध ज्ञान ही एकमात्र उपादेय ज्ञान है, क्योंकि वह भक्ति का अनन्य सहचर है। भाव भक्ति की भगवत गुणाख्यान में जो आसक्ति होती है, शुद्ध ज्ञान ही उस आसक्ति का एकमात्र विषय है। भगवत लीला ज्ञान न होने पर
उनकी गुणाख्यान और तत्श्रवण कीर्तनादि संभव नहीं होते। भगवान मध्यम आकार में भी अपरिमेय हैं। इस गुण के आख्यान स्वरूप भगवान यशोदा द्वारा पहले बांधे नहीं जा सके, पश्चात अपरिमेय होने पर भी भक्ति के निकट अपनी शूद्रता स्वीकार करते हैं। इस तत्व के अनुसार उन्हें अनायास ही बांध लिया। ये सभी भगवान की लीला कथाएं केवल शुद्ध ज्ञान उदित तत्व समूह हैं। अतएव भाव भक्ति और शुद्ध ज्ञान के ऐक्य विचार से सभी अशुद्ध ज्ञानों को ज्ञान कहकर भक्ति शास्त्रों में ज्ञान की निंदा सुनी जाती है। शुद्ध ज्ञान को ज्ञान कांड नहीं कहा जाता। ज्ञान कांड केवल पूर्वोक्त दूसरे चार प्रकार के ज्ञानों को ही कहा गया है। वे सभी भक्तों के लिए परित्यज्य हैं। ज्ञान के तीन विभाग। इसमें और एक सूक्ष्म विचार है। ज्ञान के तीन विभाग हैं, जिज्ञासा, संग्रह और आस्वादन। भाव भक्तों द्वारा जिज्ञासा और संग्रह पहले ही साधन भक्त जीवन में श्रीमद् भागवत के अर्थ आस्वादन द्वारा पूर्ण हो चुके हैं। भाव भक्त के जीवन में ज्ञान का केवल आस्वादन अंश मात्र रह जाता है। वह आस्वादन अंश मुक्ति को प्राप्त करने के पश्चात भी नित्य धाम में उज्जवल रूप से वर्तमान है, बल्कि जड़ बदवस्था में वह संकुचित रहता है। मुक्त जीवों को वह वैकुंठ तत्व प्राप्त कराता है। जिस पीठ या स्थान में भगवत आस्वादन रूप ज्ञानांश विगत कुंठ अर्थात बाधा रहित होकर वर्तमान है, उसी पीठ या स्थान को बुद्धिमान व्यक्ति वैकुंठ कहते हैं। शुद्ध ज्ञान का आस्वादन या परेशानुभव विरक्ति अर्थात भक्ति के अनुपयोगी वस्तुओं में उदासीनता और भक्ति अर्थात भगवत राग, ये सभी युगपत भक्त हृदय में वास करते हैं। ये सभी एक ही वस्तु हैं। जिस स्थान पर भक्ति को वस्तु के रूप में ग्रहण किया गया है, वहां शुद्ध ज्ञान अर्थात भगवत अनुभव और वैराग्य, ये दोनों ही उस भक्ति के परिचारक या सेवक के रूप में कार्य करते हैं। भाव भक्ति के विचार से शुद्ध ज्ञान और युक्त वैराग्य स्वतंत्र विषय नहीं है। वे भाव के साथ साथ फल स्वरूप से उदित होकर भक्ति की सेवा करते हैं। जिस स्थान में उनका अभाव हो, वहां यही जानना चाहिए कि भाव का उदय नहीं हुआ है। तथापि जो भाव लक्षण जैसा देखा जाता है, वह केवल भाव आभास या कपट रति मात्र है। चतुर्थ धारा में इसका विचार किया जाएगा। चतुर्थ धारा, रति विचार। ज्ञान के विषय में हम विस्तृत रूप से विचार कर चुके हैं। अब भाव भक्ति के संबंध में कुछ विचार प्रस्तुत किया जा रहा है। भाव भक्ति चाहे वह साधन भक्ति से उदित हुई हो अथवा कृष्ण या कृष्ण भक्तों की कृपा से उदित हुई हो, वह कृष्ण भक्तों के संग के बिना पुष्ट नहीं हो सकती। दूसरी ओर कृष्ण भक्तों के प्रति अपराध होने पर वह अमूल्य रति धन क्रमशः क्षीण होते होते सर्वथा लुप्त हो जाता है अथवा निम्न श्रेणी का हो पड़ता है। वास्तव में यह बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए भक्ति साधकों और जात भाव पुरुषों को बड़ी सावधानी पूर्वक प्रीति के साथ भक्त संग करना चाहिए और इस बात का सदैव स्मरण रखना चाहिए कि उन भक्तों के प्रति किसी भी प्रकार से अपराध न बन जाए। यदि साधक साधन काल में अपराधों से बचकर प्रीति पूर्वक भक्त संग करे तो उसकी शीघ्र ही अनर्थ निवृत्ति होने पर वह भाव दशा में उपस्थित हो जाएगा और जात भाव पुरुष शीघ्र ही प्रेम दशा में भी उपस्थित हो जाएगा। कहीं कहीं ऐसा भी संदेश किया जाता है कि जिस रति को इतना अमूल्य धन कहा गया है, वह भगवत भक्त के अतिरिक्त अन्य अन्य प्रकार के लोगों में भी दिखलाई पड़ता है। भक्तों द्वारा शुद्ध रति की उपलब्धि के लिए उक्त विषय पर विचार किया जा रहा है। हम लोग किसी दूसरे संप्रदाय या लोगों के भजन की परिपाटी या पद्धति के प्रति विद्वेष की भावना से प्रेरित होकर कुछ भी नहीं कहेंगे। केवल मात्र भक्तों की जिज्ञासावश उनकी भक्ति वृत्ति की दृढ़ता और पुष्टि के लिए जो कुछ कहेंगे, उससे यदि किसी दूसरे संप्रदाय की भजन पद्धति के विरुद्ध कुछ जान पड़े
तो इसके लिए हम पहले ही क्षमा प्रार्थना करते हैं। बड़े सौभाग्य से जीव की शुद्ध भक्ति में रति होती है। ग्रंथ लिखकर दूसरों को रति की शिक्षा देना असंभव है। जिन्हें शुद्ध भक्ति में श्रद्धा है, उन्हीं के लिए ये ग्रंथ लिखा गया है। फिर भी दूसरे संप्रदाय के लोग यदि संयोगवश इसे पढ़ें, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। यदि भाग्यवश वे इसके विचारों से एकमत हों, तो सब प्रकार से कल्याण ही कल्याण है। और यदि वे एकमत ना हों, तो उनसे हमारी यही विनीत प्रार्थना है कि वे इस ग्रंथ को किसी दूसरे को दे दें, हमारे प्रति असंतुष्ट ना हों। अभेद ब्रह्मवादियों का मत यह है कि ब्रह्म निर्गुण है। किसी सगुण उपाय का अवलंबन करने से निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं होती। जीव सगुण है, अतएव जीवों के लिए सगुण उपासना के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। इसलिए जीव सर्वप्रथम सगुण तत्व के अंतर्गत किसी काल्पनिक मूर्ति की उपासना करे। इस उपासना से क्रमशः उसकी बुद्धि स्थिर होने पर साधक जीव उस कल्पित मूर्ति की उपासना से अपनी बुद्धि को निर्गुण ब्रह्म के प्रति लगाकर ज्ञान और वैराग्य का अनुसंधान करे। अपरोक्ष अनुभूति ग्रंथ में अभेद ब्रह्मवाद के प्रधान आचार्य श्री शंकराचार्य ने ऐसा निर्देश किया है कि वैराग्य, विवेक, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान और मुमुक्षुता, इन 9 साधनों के योग से पुरुष विचार करते करते अपने कर्तव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। पूर्वोक्त साधन समूह कैसे प्रभूत या उत्पन्न होते हैं, इस विषय में उन्होंने बतलाया है कि स्ववर्णाश्रम धर्म, तपस्या और हरितोषण, ये तीनों प्रक्रियाएं सुचारू रूप से संपन्न होने पर उक्त 9 प्रकार के साधनों के लिए उपयुक्त अधिकारी बना सकती है। समस्त प्रकार के सगुण देवताओं की उपासना को ही उन्होंने हरितोषण बतलाया है। अद्वैतवादियों के विचार से सूर्य, गणेश, शक्ति, शिव और विष्णु, ये 5 सगुण देवता हैं। इन 5 सगुण देवताओं की उपासना पद्धति को पंचोपासना कहते हैं। उनके अनुसार पंचोपासना से चित्त की एकाग्रता साधित होती है। चित्त एकाग्र होने पर क्रमशः निर्विषयता प्राप्त होती है, अर्थात चित्त शुद्धि होती है, और चित्त शुद्धि होने पर निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी ज्ञान की प्रगाढ़ता संपादित होने पर मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा ज्ञान होता है। सूक्ष्म रूप से विवेचना करने पर यह सिद्धांत प्रतिपादित होता है कि अद्वैतवादी ब्रह्म को ही एकमात्र वस्तु स्वीकार करते हैं, अन्यान्य सबको वे अवस्तु मानते हैं। इतना ही नहीं, सर्वप्रथम साधन काल में जिस देवता की उपासना की उन्होंने विधि बनाई, वे देवता भी अवस्तु ही हैं। निर्विशेष अवस्था में उस देवता की कोई स्थिति नहीं है, इसलिए वे देवता काल्पनिक हैं। मायावाद के अंतर्गत राम, कृष्ण आदि की मूर्तियों की भी उपासना देखी जाती है। वे सभी काल्पनिक एवं अवस्तु के अंतर्गत ही हैं। काली, दुर्गा आदि शक्ति, सूर्य, गणेश, शिव और विष्णु, ये उनके मत में काल्पनिक देवता हैं। अष्टांग योगी और पंचोपासक भी इन्हीं के अनुगत होते हैं और अंत में ब्रह्मवादी एवं मुक्ति के पक्षपाती होते हैं। उपास्य देवता को मिथ्या और कल्पित जानकर भी ये लोग उनकी उपासना करते हैं। ऐसे लोगों में उपासना काल में जो रति के लक्षण देखे जाते हैं, उसी को वे रति कहना चाहते हैं। उत्सवों में वे कंप, स्वेद, वैवर्ण, अश्रु और पुलक आदि लक्षणों से आक्रांत होकर नृत्य करते हैं। ये सभी रति के लक्षण होने पर भी हमने जिस शुद्ध श्रद्धा और निरुपाधिक रति का उल्लेख किया है, उससे उनका कोई भी संबंध नहीं है। 5 प्रकार की रतियां। रति कितने प्रकार की होती है, इसका भलीभांति विचार करने पर संसार में 5 प्रकार की रतियां दृष्टिगोचर होती हैं। पहली शुद्धा रति, दूसरी छाया रति, तीसरी प्रतिबिंबित रति, चौथी जड़ रति और 5वीं कपट रति। शुद्धा रति। शुद्धा रति को शास्त्रों में आत्मरति, भागवती रति, चित्रति एवं भाव भी कहा गया है। जीव विशुद्ध दशा में जिस वृत्ति के द्वारा भगवत तत्व के साथ युक्त होता है, उसका नाम रति है। उस समय सांसारिक विषयों में जीव की रति या रुचि नहीं होती।
एक निष्ठता ही रति का प्रधान लक्षण है। आर्द्रता, मात्सरण्य, उल्लास, रुचि, आसक्ति, ये सब रति की ही विभिन्न अवस्थाओं के नाम हैं। छाया रति। जब उक्त शुद्धा रति अत्यंत अल्प मात्रा में प्रकाशित होती है तो उसे छाया रति कहते हैं। यह छाया रति जब तक रहती है तब तक वह अत्यंत शूद्र, कौतूहलमयी और दुखहारिणी होती है। भक्तों के संग से अथवा वैधि भक्ति के अंगों के साधन काल में इस रति की उपलब्धि होती है। छाया रति चंचला होती है, अर्थात स्थायी नहीं होती। साधारण अतत्वज्ञ लोगों में भी भक्त संघ के प्रभाव से कभी कभी ऐसी रति देखी जाती है। बड़े भाग्य से यह छाया अर्थात शुद्धा रति की कांति स्वरूप रति जीव के हृदय में उदित होती है, क्योंकि इसके उदय होने से जीवों का उत्तरोत्तर कल्याण होता है। यह छाया रति वास्तविक भाव नहीं है, इसे भाव आभास भी कहते हैं। यदि विशुद्ध भक्त जनों की कृपा मिल जाती है तब यह भावाभास अत्यंत शीघ्र ही भाव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, परंतु भक्त जनों के प्रति अपराध बन जाने पर छाया रति शीघ्र ही लुप्त हो जाती है। प्रतिबिंबित रति। अभेद ब्रह्मवादियों अथवा उनके अधीन कल्पित देव देवियों के उपासकों के हृदय में भक्त संघ के कारण भक्त हृदय में स्थित रति प्रतिबिंबित होती है। किसी भक्त के सात्विक विकारों के माधुर्य को देखकर पूर्वोक्त मुक्ति पक्षीय लोगों की कीर्तन आदि के समय या अन्य उत्सवों में जो सात्विक विकारों की अनुकृति होती है उसे ही प्रतिबिंबित रति कहते हैं। अतएव सगुण उपासकों में रति के लक्षण अधिकतर इसी रूप में हुआ करते हैं। इसमें मूल बात यह है कि सगुण उपासक अपने आचार्यों के द्वारा प्रदर्शित पद्धति के अनुसार मुक्ति को प्राप्त करना बहुत ही कठिन समझकर कल्पित देवताओं के समीप सहज रति लक्षणों को प्रकाश कर अपने हृदय की वेदना को प्रदर्शित करते हैं। इससे इनके अंगों में कुछ कुछ रति के लक्षणों से मिलते जुलते लक्षण उत्पन्न होते हैं। ये लक्षण जानबूझकर उत्पन्न किए जाते हैं या कभी कभी हृदय वेदना प्रदर्शित करते समय अपने आप भी उत्पन्न होते हैं। इन लोगों का चरम उद्देश्य भोग या मुक्ति संबंधी सुख की प्राप्ति होता है। छाया या प्रतिबिंबित रति दोनों ही रत्याभास मात्र है, शुद्धा रति नहीं। शुद्धा रति केवल भगवत निष्ठ होती है, अर्थात नित्य भगवत स्वरूप ही इस रति के विषय होते हैं तथा जीव इस रति का आश्रय होता है। कल्पित देव देवियों के उपासकों के मत अनुसार जीव नित्य तत्व नहीं है, इसलिए वह रति का आश्रय नहीं हो सकता। साथ ही भगवान का भी कोई स्वरूपगत विशेष नहीं है, क्योंकि अंत में अभेद ज्ञान ही उनका प्रयोजन होता है। इसलिए उनके विचार से शुद्धा रति का विषय शुद्ध ब्रह्म भी नहीं हो सकता। इसलिए अभेदवादियों में जो रति दीख पड़ती है वह शुद्धा रति का प्रतिबिंब अथवा जड़ रति का रूपांतर मात्र है। कहीं कहीं यह कपट रति भी हो सकती है। जिस स्थल पर रति के आश्रय जीव अपनी सत्ता को अनित्य मानते हैं एवं विषय परमेश्वर को निर्विशेष अर्थात स्वरूप शून्य निराकार आदि मानते हैं, वहां उपासक की रति अनित्य, औपाधिक, कपट, जड़ जगत या प्रतिबिंब स्वरूप होती है। घटनावशतः अर्थात अपने आचार्य का अंतर्निहित उद्देश्य समझकर ही हो अथवा अपनी रुचि से ही हो, पूर्वोक्त पांच प्रकार के उपासकों में जब इस प्रकार की भावना उदित हो जाए कि मेरे उपास्य का स्वरूप नित्य है और मैं उनका नित्य किंकर हूँ, तब कहीं उनके हृदय में शुद्धा रति का आंशिक आविर्भाव संभव है। विष्णु, शिव और गणेश के उपासकों की यह रति सर्वप्रथम चैतन्य उद्देशिनी होकर क्रमशः श्री कृष्ण रति के रूप में पर्यवसित होती है। सूर्य उपासकों की रति भर्ग चिंता से धीरे धीरे ऊपर उठकर भर्ग के भीतर स्थित श्री नारायण के प्रति नियुक्त हो जाती है। शक्ति के उपासकों की रति क्रमशः शक्ति चिंतन का अतिक्रमण कर शक्तिमान भगवान का आश्रय ग्रहण करती है।
श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि जो लोग अन्य अन्य देवताओं की उपासना करते हैं, वे लोग उपासना की साक्षात विधि का किंचित परिमाण में उल्लंघन करके मेरी ही उपासना करते हैं, वे लोग भी अंत में मुझे ही प्राप्त होंगे। इस विषय में मूल सिद्धांत यह है कि इन लोगों की रति के आश्रय और विषय दोनों में ही कुछ कुछ दोष रहने के कारण रति पूर्ण नहीं होती। उनको विशुद्ध भगवत भक्तों का संग मिलने पर उनके संग में क्रमशः अनुशीलन आदि के द्वारा उनकी रति पुष्ट होने पर जन्म जन्मांतरों में आश्रय और विषयगत दोष दूर हो जाते हैं। उस अवस्था में उन जीवों को विशुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। बीच बीच में साधु संग कर प्राप्ति ही इस रति को पुष्ट करने का प्रधान हेतु है। जड़ रति के उदाहरण संसार में सर्वत्र ही प्रचुर मात्रा में देखे जाते हैं। मादक द्रव्यों का सेवन करने वालों, वैश्यासक्त पुरुषों, ग्रह आसक्त और उदर परायण लोगों के जीवन में जड़ रति सहज ही लक्षित होती है। लैला के मरने पर उसका आशिक मजनू भी मर जाता है। उर्वशी के चले जाने पर महाराज ययाति का प्राण वियोग हो जाता है। जूलियट के लिए रोमियो भी जीवन की आशा त्याग कर देता है। ऐसे ही अनेक अनेक उदाहरण पुस्तकों में देखे जा सकते हैं। क्या ये रति के लक्षण हैं? तब ये रति सी दिखने वाली चीज है क्या? इस विषय को कुछ विशेष ध्यान पूर्वक अनुशीलन करने की आवश्यकता है। जीव चिन्मय तत्व है। जीव के विशुद्ध चिन्मय स्वरूप में भगवत रति स्वतः सिद्ध रूप में है। उस समय जीव का स्वधर्म है भगवत रति। उस शुद्ध अवस्था में रति का आश्रय है शुद्ध जीव और विषय है भगवान। परंतु जब जीव माया द्वारा जड़बद्ध हो जाता है, तब उसका जड़ शरीर में ही मैं और मेरा का अभिमान दृढ़ हो पड़ता है। यह तो हुआ आश्रय का विकृत रूप। अब जीव के जड़ शरीर में आत्मबुद्धि के कारण उसका स्वधर्म भगवत रति भी विकृत हो पड़ती है। अर्थात वह भगवान रूप आश्रय का परित्याग कर जड़ शरीर या जड़ पदार्थों को विषय मानकर उनके साथ जुड़ जाती है। अभेदवादी सगुण उपासक गण जो देव देवियों की पूजा आदि करते हैं, वह सब कुछ कल्पना ही कल्पना है। जड़ीय कल्पनागत विषयों में जड़ रति जो कार्य करती है, वही कार्य इन कल्पित देव देवियों के संबंध में भी करती है। गुलीवर का उपन्यास पढ़कर या सुनकर जिस प्रकार पाठक और श्रोता उक्त कल्पित मानव पात्र की सहानुभूति में दुख में दुखी और सुख में सुखी होकर कभी रोते हैं और कभी हंसते हैं, उनका यह रोना और हंसना रति के ही तो लक्षण हैं। उसी प्रकार कल्पित देव देवियों की वर्णित लीलाओं को स्मरण करके उनके सेवकों में भी रति के लक्षण प्रकाशित हों, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। कहीं रामायण के प्रवचन में वनवास का प्रसंग चल रहा था। श्री रामचंद्र कौशल्या से मिलकर लक्ष्मण और सीता को वलकल वस्त्र धारण कराकर वन गमन के लिए प्रस्तुत हो रहे हैं। श्रोताओं में से एक वृद्ध महिला राम का वन गमन सुनकर बड़ी व्याकुल होकर जोर जोर से रोने लगी। अन्य अन्य श्रोताओं ने जब उसके इस प्रकार रोने का कारण पूछा, तो उसने बतलाया कि आज सवेरे मेरी एक बकरी वन में कहीं चली गई और फिर लौटी नहीं। बड़ी खोज की परंतु वह मिली नहीं। अब यहाँ पर राम का वन गमन सुनकर बकरी की बात स्मरण हो आने के कारण मुझसे रहा नहीं गया। अब यहाँ विचार करने की बात है कि ईश्वर उपासना के नाम पर जो रोते हैं, उन सभी में शुद्धा रति नहीं होती। उनमें से अधिकांश लोगों में जड़ रति ही होती है। इस जड़ रति में भी कहीं कहीं प्रतिबिंब रति के वे लक्षण समूह प्रकाशित होते हैं जो कल्पित देव उपासकों और ब्रह्मवादियों में लक्षित होते हैं। कपट रति। पूर्वोक्त चारों प्रकार की रतियों में ही कपटता की संभावना है। कोई व्यभिचारिणी स्त्री अपने पति का संदेह दूर करने के लिए उसके प्रति कपट जड़ रति प्रकाशित करती है। बहुत से धूर्त लोग नैवेद्य खाद्य सामग्री विशेषकर बकरे के मांस आदि के लोभ से कल्पित देव देवी की पूजा के अवसर पर अनेक प्रकार के प्रतिबिंब रति के लक्षणों को प्रकाश करते हैं। यह भी कपट रति का उदाहरण है।
आचार्य का प्रिय पात्र बनने के लिए अथवा साधु मंडली में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की आशा से या काल नेमी की भांति किसी कार्य उद्धार के लिए या महोत्सवों में सम्मान प्राप्ति की आशा से बहुत से लोग कपटता पूर्वक भागवती रति के नृत्य, स्वेद, पुलक अश्रु, कंप, लोटना पलोटना और कभी कभी भाव तक इन लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, परंतु इन लोगों के हृदय में सात्विक विकार का सर्वथा अभाव ही होता है। इस प्रकार संसार में नाना जातीय रतियों को देखकर उनके प्रति बुरी धारणा के कारण जो लोग विशुद्ध भगवती रति का यथा योग्य सम्मान नहीं करते, वे वास्तव में बड़े शोचनीय और दुर्भाग्य हैं। यदि कहीं ऐसा देखा जाए कि किसी व्यक्ति ने कभी भी कोई साधन नहीं किया, अथच अकस्मात उसके अंदर भगवती रति प्रकाशित हो पड़ी, ऐसे स्थल में यही समझना चाहिए कि उस व्यक्ति ने पूर्व पूर्व जन्मों में अनेकों साधन किए थे, परंतु किसी विघ्न के कारण उसमें अभी तक रति प्रकाशित नहीं हो पाई थी। अब किसी कारण से विघ्न दूर हो जाने पर आच्छादित रति का आच्छादन दूर होने से रति अकस्मात उदित हो गई है। साथ ही साथ उस भक्त में अपने आराध्य भगवान का अनुभव और इधर वस्तुओं में वैराग्य शुद्धा रति के अनुभव के रूप में दीख पड़ते हैं। Mm-hmm.